السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن سنته الى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امين يا رب العالمين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اه ماري الله ہمیں ہماری موت پر كلمة لا إله إلا الله بثابت قدم ركيه آمين يا رب العالمين बीसवा पारा है सूरत आयत नंबर से शुरू करेंगे व अफाअ नदन हसना फाहु अलाया दुनिया तुम माह हुआ मलकियामती मिनल मुखदरीन भला वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया हो और वो उसे पाने वाला हो कभी उस शख्स की तरह हो सकता है जिसे हमने सिर्फ हयात दुनिया का सरो सामान दे दिया हो और फिर वो क्यामत के रोज सजा के लिए पेश किया जाने वाला हो और भूल ना जाए ये लोग उस दिन को जबकि वो उनको पुकारेगा और पूछेगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे ये कौल जिन पर चश्मा होगा वो कहेंगे हमारे रब यही लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था उन्हें हमने उसी तरह गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए थे अगुना हम कमा अगवई ना यानी एक नस्ल दूसरी नस्ल के ऊपर ब्लेम गेम करेगी एक नस्ल दूसरी नस्ल को कहेगी कि इसने हमें गुमराह किया था हम आपके सामने बरात का इजहार करते हैं ये हमारी तो बंदगी नहीं करते थे जिनकी बंदगी किया करते थे यानी जिनकी एंसेस्टर वर्शिप करते थे जिन आबाओ अजदाद के तरीकों को फॉलो करके अल्लाह को नाफरमान किया था अल्लाह की नाफरमानी की थी वही अबाओ अजदाद क्यामत के दिन उनसे लातालुकी का इजहार कर देंगे फिर इनसे कहा जाए कि पुकारो अब अपने ठहराए हुए शरीकों को ये उन्हें पुकारेंगे मगर इनको कोई जवाब ना देंगे बता दिया जाए जैसे कोई आप फोन करते हैं तो कोई रिकॉर्डेड मैसेज छोड़ देता है ये जवाब देने की शक्त भी नहीं रखते होंगे ये पूछेंगे और इनको कोई जवाब ना मिलेगा कोई रिस्पोंड ना करेंगे और ये लोग अजाब देख लेंगे काश ये हिदायत इख्तियार करने वाले होते इनको क्या चीज खा गई इनको अजाब ने खाया इसलिए कि ये पीपल कॉन्शियस लोग थे गॉड कॉन्शियस बनते अल्लाह के अहकाम को जिंदगी में लाते तो उनको इस नुकसान का सामना ना करना पड़ता लेकिन हम क्या करें कि हमारा भी यही हाल है कि हम कुरान में अजाब रसीदा बस्तियों का सुनते हैं और पढ़ते हैं हम कुरान में उन अजाब वाली उम्मतों का पढ़ते हैं जिन्होंने आबाव अजदाद को फॉलो किया और इस्लाम की तालीमत आने के बावजूद अपना अमल ना बदला और उसके बावजूद हम कुरान पढ़ पढ़ के फिर खानदान के अंदर खानदान की रसूम रिवाज के अंदर अपने आप को इंटैक्ट रखते हैं और अपना रवैया नहीं बदलते और फरामोश ना करें ये लोग वो दिन जबकि वो उनको पुकारेगा और पूछेगा जो रसूल भेजे गए थे उन्हें तुमने क्या जवाब दिया था उस वक्त कोई जवाब उनको ना सूझेगा और ना ये आपस में एक दूसरे से पूछ ही सकेंगे अलबत् जिसने आज तोबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमल किए फासाइ यकून अन्नल मुफलीन तो ये तो हो सकती है कि वो फलाह पाने वालों में शामिल हो जाए व रब्बू का यख्लुमा यशा उखतार तेरा रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है और खुद ही अपने काम के लिए जिसे चाहता है मंतखब कर लेता है ये इंतखाब उन लोगों के करने का काम नहीं अल्लाह पाक है और बहुत बाला तर है उस शिरक से जो ये लोग करते हैं तेरा रब जानता है जो कुछ दिलों में छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं यानी बता दिया गया अल्लाह के यहा जो चीज असल में क्वालिटी रखती है अल्लाह के यहाँ जो चीज गिनी जाएगी वो तुम्हारा खुलूस होगा अल्लाह तुम्हारा दिल देखेगा हमने पीछे पढ़ा था मन अतल ही बेकलब सलीम जो कल्ब सलीम लेकर अल्लाह के सामने आएगा जो सलामत दिल लेकर अल्लाह के सामने आएगा अल्लाह उसको पास करने की तरफ ले जा सकता है अल्लाह के यहाँ पास होने की मिनिमम क्वालिफिकेशन बता दी कि अपना दिल सलीम लेकर आओ फितरत अपनी सलामत लेकर आओ वही एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तक नहीं उसी के लिए हमद है दुनिया में भी और आखरत में भी वला हुक्म तुरजा ऊन फरमा रवाई उसी की है उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कभी तुम लोगों ने गौर किया कि अगर अल्लाह क्यामत तक तुम पर हमेशा के लिए रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे क्या तुम सुनते नहीं हो इनसे पूछो कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह क्यामत तक तुम पर हमेशा के लिए दिन तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माहूद है जो तुम्हें रात ला दे ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो क्या तुमको सोचता नहीं है दिन और रात जैसे प्रोलोंग हो सकते हैं ऐसे ही इंसान के हालात भी तो प्रोलोंग हो सकते हैं अल्लाह चाहे तो किसी के ऊपर हमेशा या बहुत सालों तक गम की सिचुएशन रहे अल्लाह चाहे तो किसी को अल्लाह मुस्तकिल खुशियों में रखे लेकिन अल्लाह की बांट कैसी है ये अल्लाह की अपनी बांट है अल्लाह मुझ पर और आप पर आजमाइशें डालता है तो अल्लाह मुझ पर और आप पर आजमाइशें इतनी ही डालता है जितनी आप और मैं उठा सकते हैं ताकि मुझे और आपको मोहलत भी मिल जाए और आपको और मुझे सबक भी मिल जाए तो अल्लाह जिस तरह हमेशा रात नहीं रखता इसी तरह यहाँ पर निशानी ये बताते हैं स्कॉलर्स कि अल्लाह हमेशा इंसान के ऊपर गम उदासी आजमाइश को नहीं रखता अल्लाह ने कुरान में कहा है इन अल अल उसरा हर तंगी के बाद आसानी है आज किसी अमल को करते हुए अगर दिल घुट रहा है आज किसी नेकी को करते हुए अगर मजा नहीं आ रहा हो सकता है कल तुम एक ऐसी नेकी करो जिसको करके तुम्हें मजा आने लग जाए बिल्कुल जैसे दिन रात हमेशा नहीं रहते ऐसे ही हालात भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते व मे राहमती ही जा अला लवन लीता ये उसी की रहमत है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो और दिन को अपने रब का फजल तराश करो शायद के तुम शुक्रगुजार बनो अल्लाह तला ने बता दिया कि अल्लाह तला ने जो दिन रात का मामला रखा इसको इसके ऊपर गौर करो तो तुम समझ सकते हो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसमें कितनी हिकमतें पोशीदा रखी हैं। अगर दुनिया अपने एक्सिस पर रोटेट ना करती और चांद की तरह फिर क्या होता आधी दुनिया के ऊपर दिन होता और आधी दुनिया के ऊपर रात होती चांद के ऊपर अभी भी यही मामला है कि पूरा चांद एक साथ रोशन नहीं होता आधी उसके ऊपर रोशनी होती है तो आधी उस पर रात होती है लेकिन ये अल्लाह ने अपना एक्सेस बता दिया इस जमीन को तो ये जमीन घूमती रहती है और इसके घूमने की वजह से इसकी रोशनी की यूनिफॉर्मिटी है इसकी अंधेरे की यूनिफॉर्मिटी है तो जैसे जमीन का एक्सेस है मुसलमानों को इंसानों को बता दिया गया कि अल्लाह को अपना एक्सेस बनाओ तुम अल्लाह के गिर जैसे खाना काबा पे जाके अल्लाह के घर का बैतुल्ला का तवाफ करते हो ऐसे ही अपनी जिंदगियों के अंदर अल्लाह के अहकाम के गिर्द अपना जिंदगी का तवाफ रखा करो जब तुम बैतूल्हा में जाकर अपनी फरमदारी अल्लाह के लिए खालिज कर देते हो तो तुम्हें कराची आके मिसाल के तौर पर क्या हो जाता है तुम्हारा ऑर्बिट क्यों चेंज हो जाता है तुम्हारा सोचने का अंदाज क्यों बदल जाता है तुम्हारा इबादत का खलूस कहा चला जाता है तो अल्लाह ने कहा तुम इस चीज पर गौर करोगे तो शायद के तुम शुक्रगुजार बन जाओ याद रखें ये लोग वो दिन जब के उन्हें पुकारेगा वो उन्हें पुकारेगा और पूछेगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे अब हम हर हमत में से एक गवाह निकाल लाएंगे फिर वो कहेंगे हा तु बुरहा लाओ अब अपनी दलील उस वक्त उन्हें मालूम हो जाएगा कि हक अल्लाह की तरफ है और गुम हो जाएंगे उनके वो सारे झूठ जो उन्होंने घर रखे थे ये वाक है कि कारून मूसा की कौम का एक शख्स था अब एक शख्स का जिक्र आ रहा है कारून ही का हमने कहा था कि आपको इसके अंदर फाइनेंशियल पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप की बात सुरख कसस में मिलती है तो आपने देखा था कि इससे पहले फिरौन का जिक्र आया उसके बाद हमान का जिक्र आया और इस तरह से अब कारून का जिक्र आ रहा है कारून ऐसा शख्स था जिसने बतर का मुजाहरा किया था हमने कल देखा था कि बतर किसको कहते हैं वतर होता है अपनी जेब से बढ़कर खर्च करना अपने स्टेटस को आला से आला करने के लिए लोन लेना कर्जे लेना अपने स्टेटस को आला से आला करने के लिए लोगों को घटिया समझना अपने स्टेटस के लिए अपनी शान बढ़ाने के लिए अपने माल को जमा कर करके रखना ये सब बतर का इंसान के अंदर मर्ज होता है जो इसके अंदर आ जाता है या शो ऑफ करना तो कानून मूसा की कॉम का एक शख्स था फिर वो अपने कौम के खिलाफ सरकश हो गया और हमने उसको इतने खजाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियां ताकतवर आदमियों की एक जमात मुश्किल से उठा सकती थी एक दफा जब इसकी कौम के लोगों ने इससे कहा ला तफरह डू नॉट फ्लॉन्ट इतराओ मत अल्लाह भूलने वालों को पसंद नहीं करता शो ऑफ करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता यहाँ पे आया इन्बुल फरहीन अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता इसमें मेरे और आपके लिए भी बड़ा सबक है कि मैं और आप नेमतों के मिलने पर इतराए नहीं नेमतों के मिलने पर उसको अपना ऑनर ना समझे बल्कि नेमत के मिलने को अपने लिए जिम्मेदारी समझे जब नेमत मिले तो उस नेमत का बोझ मुझे झुका दे मेरे अंदर आजजी लेकर आ जाए अल्लाह को शो ऑफ करने वाले पसंद नहीं और ये बात हम मुसलमान औरतें अपने पल्ले बांध लें कि हम कुछ खाएं तो दिखावे के लिए ना खाएं हम पहने तो दिखावे के लिए ना पहने हम अपने घर बनाएं तो दिखावे के लिए ना बनाएं हम अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल्स में डालें तो दिखावे के लिए ना डालें मैं और आप ना अपनी वर्थ घर गाड़ी और बच्चों के स्कूल से निकालें न किसी दूसरे इंसान की वर्थ जो है वो इन चीजों से निकालें बतर का शिकार जो कौमें होती हैं अल्लाह उनको इसी अजाब में गर्क कर देता है कि वो सारी जिंदगी शो ऑफ करती रह जाती हैं। और दूसरों की वर्त भी इसी तरह से निकालते हैं अगर हम इस तरह चाहते हैं कि हम लोगों की नजरों में अपनी नेमतों के जरिए बुलंद हो तो याद रखें अल्लाह फिर ऐसी कौम के ऊपर जिल्लत का अजाब भेज देता है तो ये चीज़ है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कहा इतराने वाला अल्लाह को पसंद नहीं इतराने के अंदर बहुत सी चीजें आ सकती हैं इंसान अपनी औलाद पर इतरा सकता है इंसान अपने शोहर पर इतरा सकता है अपनी नेमतों को देख कर, इतराने की बजाय मेरी चीज सबसे अच्छी मेरा घर सबसे अच्छा मेरी गाड़ी सबसे अच्छी मेरे बच्चे सबसे अच्छी क्या अल्लाह ने सिखाया है कि अल्लाह अपनी नेमतों को जब आप देखें तो उसमें बरकत की दुआ करें और उनको नजर से बचने के लिए उनके ऊपर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं जो हैं उनको पढ़कर दम करें और उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उनकी जिम्मेदारी को महसूस करें कि अल्लाह ताला ने मुझे ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और औरतों के अंदर फ्लॉन्ट करने की आदत सबसे ज्यादा होती है तो हमें अपनी इस तकलीफ को इस बीमारी को इस कमी को हार्नेस करने की जरूरत है ये कहाँ से शुरू होता है फ्लॉन्ट करना हम खबिन नहीं अपने पास अपने बैग में छोटे छोटे से आईने रखती है हर थोड़ी देर के बाद आईना निकाल कर देखा और अपना चेहरा देखा कैसी लग रही हूँ कहीं पे आईना नजर आया फौरन मुड़कर देखा अच्छा जरा देखूं तो लिपस्टिक ठीक है खराब तो नहीं है आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बढ़ती जाती है और उसके बाद इंसान इतराना शुरू कर देता है वो क्या होता है कि आप किसी बिल्डिंग में जाएं वहां लिफ्ट लगी हुई हो और वो जो लिफ्ट के अंदर भी वो जो उनका स्टील का जो है लिफ्ट का ऑन ऑफ का बटन होता है उसके ऊपर भी आपको अपना बड़ा अच्छा चेहरा नजर आता है तो इंसान उसको भी नहीं छोड़ता जो रेलिंग होती है स्टेयर्स के ऊपर चढ़ने की अगर वो भी जो है वो आयरन की लगी हुई है उसके ऊपर स्टील हुआ हुआ है उसमें भी आप अपने चढ़ते चढ़ते चेहरा देखने लग जाते हैं तो क्या है मैं अच्छी लगू मैं अच्छी मैं अच्छी लगू मैं सबसे अच्छी लगू मैं महफिल में सबसे बेहतर लगू ये इतराहट फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को शो ऑफ की तरफ ले जाती है और अल्लाह तला ने यहाँ बता दिया कि अल्लाह को फरेहीन पसंद नहीं है अल्लाह को इतराने वाले पसंद नहीं है जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है उससे आखरत का घर बनाने की फिक्र कर और दुनिया से अपना हिस्सा फरामोश न कर अल्लाह तला ने कून को भी यही कहा था कानून तक भी यही मैसेज पहुंचा था और आप तक और मुझ तक भी यही मैसेज पहुंचा है कि जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उन नेमतों से आखरत कमाएं उन नेमतों को टूल्स बना लें आखरत कमाने का और दुनिया वालों पर भी खर्च करें और अल्लाह की राह में भी खर्च करें और अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात पर भी पूरा खर्च करें एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है और जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश न कर अल्लाह मुफ्सिदों को पसंद नहीं करता हमने कल कहा था मुफ्त कई एंगल से कुरान में आया है यहां किसको को कहा गया वो जो अपनी दौलत को सिर्फ अपनी इतराहट के लिए रखे अपने इतराने के लिए रखे और उसको गरीबों के ऊपर खर्च ना करे माशरे में सर्कुलेट करने के लिए उसे खर्च ना करे मिसकीनों को मुसाफिरों को जरूरतमंदों को देने के लिए खर्च ना करे अल्लाह ने उसको मुफ्त करार दे दिया जब दिखावे के लिए इंसान अपना पैसा खर्च करता है शो ऑफ के लिए पैसा खर्च करता है तो उस माशरे के अंदर उलमा कहते हैं कि इस दिखावे की वजह से रस्में आम हो जाती हैं। इसलिए कि रस्में करने का मकसद क्या होता है आप एक रस्म करने बैठे आपको कितना खर्चा करना पड़ता है तो उलमा कहते हैं कि जिस माशरे के लोगों में दिखावा आम हो जाता है वहां रस्में आम हो जाती है और जब रस्में या सेलिब्रेशन आम होती है तो फिर लोग बहुत बुरी तरह से अपनी दौलत का फ्लॉन्ट करते हैं मुख्तलिफ अंदाज से दौलत का फ्लॉन्ट करते हैं और हमारे यहाँ रस्मों का क्या कहना हमारे यहाँ तो मौके बा, मौका बा मौका जब भी शादियों का मौका आता है हम दिल खोल कर खर्च करते हैं खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट वाले और खासतौर पर पाकिस्तान वाले तो दुनिया भर में मशहूर है कि अपनी शादियों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा बतर का मुजाहरा करते हैं बहुत ज्यादा फ्लांट करते हैं बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं आजकल तो वही बात के जोड़े की प्राइस बताना भी जो है वो भी बतर का जरिया बन गया बरी का दिखाना अब तो खैर मेरा ख्याल है अल्लाह का शुक्र है शायद ऐसा नहीं होता होगा एक जमाना था कुर्सी पर खड़े हो हो के बरी दिखाई जाती थी और एक खातून घूम घूम के पूरे माशरे में पूरे उस पिंडाल में बरी दिखाया करती थी कि कोई रह ना जाए जिसकी नजर से जो है वो जोड़ा रह जाए कि वो देख ना सके ये सब फ्लॉन्ट करना है आप उनसे पूछेंगे ये फ्लॉन्ट करना है आप उनको बताएं ये मुनासिब नहीं है या आप क्यों करते हैं तो लोग कभी नहीं मानते वो कहते हैं, नहीं हमारी ये नीयत थोड़ी है हम तो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं हम अपनी खुशी में औरों को शामिल कर रहे हैं आप अपनी खुशी में औरों को शामिल कर रहे हैं या जब आप बेहतरीन बरी दिखाकर उन बच्चियों को जिनके माँ बाप उस तरह की बरी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते देना या कपड़े वैसे देना अफोर्ड नहीं कर सकते या वो बेटे की बेटो की माए जो इस तरह की बरी बना बना के अपनी बहुओं के लिए नहीं ले जा सकती आप उनके अंदर जो है सेंस ऑफ डिप्रेवेशन लेकर आ रहे हैं आप उनके अंदर जो है एहसास महरूमी लेकर आ रहे हैं आप माशरे के उस तबके के लिए जो माशरे का कम पैसे वाला तबका है उसके अंदर कौन सी फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं जब एक घर में एक बेटे की या बेटी की शादी हो रही होती है और जो उस वक्त दिखावा किया जाता है तो जो घर के नौकर होते हैं जो घर का ड्राइवर होता है जो घर का चौकीदार या खानसामा होता है क्या उनकी नजरों में वो सारे सेलिब्रेशन उनकी नजरों में वो सारे खर्चे नहीं आ रहे होते वो ड्राइवर मिसाल के तौर पर जो सारी जिंदगी मेहनत करता है और अपने बेटे की शादी पर खर्च करने के लिए उसके पास पैसे इकट्ठे नहीं होते या अपनी बेटी को चार कपड़े बनाकर देने के लिए उसके पास पैसे इकट्ठे नहीं होते कितना उसके अंदर एहसास महरूमी आएगा फिर हम कहते हैं कि डाके पड़ते हैं फिर हम कहते हैं कि लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं फिर हम कहते हैं नौकर जो हैं वो मालिकान को कत्ल कर देते हैं ये इसीलिए होता है कि हम बतर का मुजाहरा करते हैं अपनी नेमतों को हद में रहते हुए इस्तेमाल करना ये मोमिन का काम होता है तो बज, बजा है, एक शादी के मौके के ऊपर जिसकी बड़ी अच्छी आ गई वो लड़की तो फूले नहीं समा रही लेकिन जिसके लिए कोई ऐसा रिश्ता आता ही नहीं कि जिसके लिए उसके लिए कोई ऐसी बड़ी आए या उसके लिए भी उसकी सास जो है वो थ्री का जोड़ा लेकर आए या फोर का जोड़ा लेकर आए और उसके बाद भी हम मुनासिब नहीं समझते ये कहना कि थ्री का फोर का पहले कहते हैं बहुत सस्ता मिल गया इतना सस्ता इतना सस्ता क्या बताऊं आप क्या बता तो दें कितना सस्ता हम समझे दस हजार का मिल गया शायद जैनब मार्केट से खरीद के आए या सदर सदर से खरीद कर ले आए नहीं पता चलता है सिर्फ फोर का अब फोर का मतलब कोई चार रूपए तो चार हजार चालीस हजार तो है नहीं आपको पता है फोर का मतलब क्या है तो ये बतर होता है ताकि लोग केहे वाह कितने पैसे वाले हैं फोर का लेकर आई आइये फिर भी कह रही है बड़ा सस्ता मिल गया बड़ा सस्ता मिल गया अल्लाह तला ने इस चीज को सख्त नापसंद किया है अगर अल्लाह ने आपको माल और इसबाब दिया है अगर अल्लाह ने आपको पैसे वाला बनाया है अगर अल्लाह ने आपके ऊपर अपने रिसोर्सेज को खोला है तो आप अपने मैार से नीचे आकर खर्च करें आप अपने आप को उस स्टैंडर्ड से नीचे ले आए जिस स्टैंडर्ड पर आप खर्च कर सकती हैं आप देखें माशरे में कितनी तेजी से शादियों के अंदर सादगी आना शुरू होगी आप में से हर एक हम में से हर एक अपने अपने औलाद की शादियों के ऊपर सादगी इख्तियार करे फिर देखें अल्लाह ताला किस तरह से माशरे के अंदर इस चीज को फैलाते हैं इसलिए माशरे के जो पैसे वाले तबके के लोग हैं जो पढ़ा लिखा तबका है जो इलीट क्लास है इसी को एफर्ट करनी पड़ेगी इसी को अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम करना पड़ेगा अपनी जेब का खर्चा जो है हो सकता है आप बहुत खर्चा कर सकते हो लेकिन थोड़ा शादी के मौके पर खर्चा कम करना और सादगी इख्तियार करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्ला वसल्लम की उस हदीस के अंडर भी हम आ जाएंगे कि आपने फरमाया सादगी वाला निकाह सबसे बरकत वाला निकाह है तो बरकत भी हो जाएगी उससे इनशाला लोग आपसे हसद नहीं करेंगे लोग आपको नजर लगाने का बायस नहीं बनेंगे आपकी औलाद की खुशियों पर किसी की नजर नहीं लगेगी कोई जो हैवनोट्स हैं उनके अंदर एहसास महरूमी नहीं आएगा अल्लाह आपसे कितना खुश होगा तो बता दिया गया कि अल्लाह मुफ्सदों को पसंद नहीं करता और यहां उसको मुफ्त कहा गया जो बेतहाशा सेरेमनीज करे बेतहाशा रस्में करे और खूब फ्लॉन्ट करे तो कारून को भी यही कहा गया था तो उसने कहा ये सब कुछ तो मुझे उस इल्म की बिना पर दिया गया है जो मुझको हासिल है इन न ऊती तू अलामिन इन दी ये तो सारा मेरा क्रेडिट है ये जो मैंने इल्म की वजह से माल कमाया है ये जो मैंने प्रोफेशन इतना पढ़ पढ़ कर कमाया उसकी वजह से मुझे ये क्रेडिट मिला है इतरा रहा है बतर का मुजाहरा भी है और इतरा भी रहा है फरहीन के अंदर भी शामिल हो रहा है क्या उसको ये इल्म ना था कि अल्लाह उससे पहले बहुत से ऐसे लोगों को हलाक कर चुका है जो उससे ज्यादा क़ुत और जमीयत रखते थे मुजरिमों से तो उनके गुनाह नहीं पूछे जाते एक रोज वो अपनी कौम के सामने अपने पूरे ठाट में निकला ये उसका क्रिमिनल एटीट्यूड बता दिया गया कि क्या था इतराता था जो माशरे के पिसे हुए लोग थे उनके मुकाबले में अपने आप को बहुत आला समझता था अपनी वर्थ को इसने अपनी सलाइयोंतों तो के साथ अटैच कर दिया अपनी वर्थ अपनी नजरों में देखी अपनी वर्थ अपने माल की नजर से देखी अपनी वर्थ को अल्लाह की नजर से ना देखा तो एक दिन आता है कि बहुत ठाट के साथ مغرور बनकर गरूर करते हुए तकबुर के साथ अपने उस पूरी फौज के साथ निकला जो लोग हयाते दुनिया के तालिब थे उसे देख कर कहने लगे काश हमें भी वही कुछ मिलता जो कानून को दिया गया है ये तो बड़े नसीबे वाला है ओ ही इज सो लकी ये वाला कॉन्सेप्ट किसी की नमत को देख कर इस तरह से इंसान हसत का शिकार भी होता है और नजर भी लगती है तो क्या कह रहे है ही सो लकी और क्यूँ कह रहे हैकी इसलिए कि क्या उसके पास जो माल है उससे वो डोनेशन देता है उससे वह अस्पताल बनवाता है उससे वो ऑर्फनेजेस बनवाता है उससे वो माशरे के पिसे हुए तबकों का ख्याल रखता है नहीं इसलिए नहीं कहने लगे मगर जो इल रखने वाले थे वो कहने लगे अफसोस तुम्हारे हाल पर अल्लाह का सवाब बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे उनमें से जो लोग अल्लाह की अजमत जानते थे जो लोग अल्लाह के इल्म को अपने जहनों में और अपने दिलों में बसाने वाले थे वो इसके धोखे में नहीं आए बल्कि इतना दिखावा देख के वो डर गए तो याद रखें जो खुद किसी न किसी कमी का शिकार होता है वो जल्दी किसी की दौलत से मरूब हो जाता है आपके पास अल्लाह ने बहुत पैसा दिया है या आपके पास अल्लाह ने कम पैसा दिया है या आपके पास अल्लाह ने दरमियाना पैसा दिया है किसी दूसरे की नेमत को देख कर आप कभी हसद या रश का शिकार ना हो रश के काबिल तो दो ही लोग हैं अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमा दिया एक वो जिसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है और वो उस इल्म को लेकर अमल भी करता है और माशरे में उस इल को लेकर फिरता है यानी लोगों तक पहुंचाता है और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने माल दिया है और वो खूब अल्लाह की राह में सदका करता है दुनिया वालों के ऊपर रश्क नहीं किया जाता किसी दुनिया वाले की नियमत देखे तो कहें अल्लाह इसको मुबारक करे अल्लाह इसमें बरकत डाले अल्लाह इस नियमतों को अपनी राह में इस्तेमाल करने की तोफीक दे इंसान रश कभी ना करे तो इनमें भी ऐसे लोग थे जिन्होंने जिनमें से कुछ ने तो उस पर रश किया कहा कितना लकी है कैसे जो है वो अपने माल को इतरा रहा है लेकर और कैसे पैसे वाला बना हुआ है और इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अल्लाह वाले थे उन्होंने कहा कि अल्लाह का सवाब बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे वाला साबिर और ये दौलत नहीं मिलती मगर सबर करने वालों को कौन सी दौलत सबर की दौलत यानी दूसरों की दौलत को देख कर हसद ना करने की दौलत ये सिफत उन्ही को मिलती है जो सबर करते हैं जो दूसरों की दौलत को देख कर आहे नहीं भरते बिही व फाही अर्द आखिरकार हमने उसे और उसके घर को जमीन में धसा दिया यानी कानून की बात हो रही है फिर कोई उसके हामियों का ग्रोह ना था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद को आता और ना वो खुद अपनी मदद आप कर सका अब वही लोग जो कल इसकी मंजिलत की तमन्ना कर रहे थे यानी जो उसके ऊपर रश कर रहे थे जो कह रहे थे ओ ही सो लकी अब वो क्या कह रहे हैं कहने लगे अफसोस हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसका रिस्क चाहता है कुशादा करता है और जिसे चाहता है नपातुला देता है अगर अल्लाह ने हम पर एहसान ना किया होता तो हमें भी जमीन में धसा देता अल्लाह क्या कहा इन्होंने वही वा, का अन्ना हु युफल अफसोस हमको याद ना रहा कि काफिर फला नहीं पाया करते यहाँ काफिर किसको कहा गया अपनी नेमतों के बारे में नाशुक् करने वालों को काफिर कहा गया वो काफिर जो अपने आप को नुमाया करना चाहता है अल्लाह के दीन को नीचा करना चाहता है वो आखरत का घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो जमीन में अपनी बढ़ाई बड़ा, नहीं चाहते यानी उनको फॉल मोडेस्टी नहीं चाहिए और ना फसाद करना चाहते हैं। फसाद किसको कहा गया स्कॉलर्स के मुताबिक यहाँ फसाद आया है कि वो अपनी दौलत की नुमाइश नहीं करना चाहते यहाँ फसाद उनके लिए आया है जवाया ला यूरीदू ना आलू वन फिल अर्द वाला फसादा फसाद का मतलब क्या है कि वो अपनी दौलत का की नुमाइश नहीं करना चाहते और अंजाम की भलाई मुत्तियों ही के लिए है यानी बता दिया गया कि जो अल्लाह के रास्ते पर होता है वो खुद को नुमाया नहीं करता जब वो दीन का काम भी कर रहा होता है तो अपने आप को नुमाया नहीं करना चाहता अपने आप को नहीं मनवाना चाहता अल्लाह का कलमा बुलंद करना चाहता है अल्लाह और रसूल का बंदा लोगों को बनवाना चाहता है वो नहीं कहता कि सब मेरे हाथ पर बैठ करो और सब मेरी बात मानो और सब मेरे वाले बन जाओ ये वाले बन जाओ या वो वाले बन जाओ या वो वाले बन जाओ वो क्या कहता है अल्लाह वाले बन जाओ जन्नत का रास्ता होता है उसके सामने इसलिए वो बाकियों को भी उसी जन्नत के रास्ते पर डालता है जो कोई भलाई लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर भलाई है और जो बुराई लेकर आए तो बुराइयां करने वालों को वैसा ही बदला मिलेगा जैसा वो अमल करते थे ये भी अल्लाह की कुरान में शान है कि अल्लाह भलाई करने वालों को तो कहता है कि उनको बढ़ चढ़ कर अजर मिलेगा और ये भी अल्लाह की शान रहीमी है कि अल्लाह कहता है जो जितना गुनाह कमा के लाएगा उसको उतना ही उसकी सजा दी जाएगी बढ़ चढ़कर सजा नहीं दी जाएगी मंजा जाबिल हसनती मन जा बिल हसनती में हसनती वाहिद आया है सिंगुलर आया है कोई एक भी जो भलाई लेकर आया जो उसने अपनी जिंदगी में कायम की हुई थी जो उसकी जिंदगी में लाइफ के तौर पर शामिल थी मिनहा तो अल्लाह तला उसको उससे बढ़कर कर दर्जा देंगे ए नबी सल इन फरादल कुरान यकीन जानिए कि जिसने ये कुरान तुम पर फर्ज किया है वो तुम्हें एक बेहतरीन अंजाम को पहुंचाने वाला है अल्लाह तला ने कुरान को फर्ज किया है तो स्कॉलर्स कहते हैं कि इंसान को अपने अमाल जरूर देख लेने चाहिए अगर मिसाल के तौर पर इस वक्त भी कोई कुरान को छोड़कर निफल पढ़ने लग जाएगा तो जो खैर इस वक्त बरस रहा है कुरान के इल्म का हो सकता है वो उससे महरूम हो जाए तो फर्ज के मुकाबले में नवाफिल को अहमियत नहीं देनी चाहिए जो फर्ज का मुकाम है वो फर्ज को देना चाहिए कोई कहे कि मैं हर दिन में सौ नवाफिल पढ़ती हूँ और आप उनसे कहें कि आप आगे बढ़कर कुरान का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए तो वो कहें नहीं मैं सोना वाफिल नहीं पढ़ सकूंगी तो उलमा के मुताबिक वो गलती कर रही हैं उनको चाहिए कि वो फर्स्ट चीज़ को पहले हासिल करें कुरान का इल्म हासिल करना कुरान से हिदायत लेना कुरान के अहकाम की समझ हासिल करना इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी काम के लिए भेजा गया था यतलू अलैहिम हिम आयाति ही वक्की इम वह किताब हिकमा अल्लाह के रसूल का तो ये काम बताया गया था वो अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाते हैं उस किताब की तालीम देते हैं तो स्कॉलर्स के मुताबिक अपनी निफली इबादत को फर्ज इबादत के ऊपर प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए इसलिए अल्लाह ने कहा यकीन जानो कि जिसने ये कुरान तुम पर फर्ज किया है आप देखें इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं आज भी यकीनन कंप्यूटर के सामने बैठकर कर यूट्यूब पर लेक्चर सुनना व्हाट्सऐप पर लेक्चर सुनना या किसी भी तरह से किसी वेबसाइट पर जाकर कोई ऑडियो एम थ्री सुन लेना इसका भी अजर है लेकिन जो कुरान की महफिल में कुरान बैठकर समझा जाता है जो उसका इम्पैक्ट आता है आप सब खुद भी महसूस कर सकते हैं एक क्लास आप यहाँ अटेंड करें और एक क्लास आप घर बैठकर व्हाट्स पर सुने आपके घर में 25 डिस्ट्रैक्शन आपको हो जाएंगे। बच्चीस तीस चालीस डिस्ट्रैक्शन हो जाएंगी फोन भी बजेगा दरवाजे पे भी कोई आ जाएगा बच्चे भी कुछ ना कुछ मांगेंगे मेड को भी आपसे कोई काम होगा जाहिर है जब आप घर में नजर आएंगी तो सभी को जो है आपकी जरूरत पड़ती रहेगी और आपका कभी भी कभी भी वो इम्पैक्ट आप हासिल नहीं कर सकेंगी जो इम्पैक्ट आपको कुरान की महफिल में आके हासिल होता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था जो मैथडोलॉजी था उसी मैथडोलॉजी के मुताबिक आज भी स्कॉलर्स कहते हैं कि उस्ताद की सोहबत में जाकर बैठना चाहिए ताकि इंसान बहुत कुछ उससे सीखे एक सिनर्जी डिवेलप होती है लाइक like माइंडेड लोग इकट्ठे होते हैं और कुरान की महफिल की वजह से इंसान के ऊपर बरकतों का नजूल अलग होता है तो हर तरह से फायदा है अगर इंसान के पास चॉइस हो तो इंसान लाइव जाके टीचर को जरूर सुने अगर चॉइस नहीं है तो वो अलग फैक्टर है इन लोगों से कह दो कि मेरा रब खूब जानता है कि हिदायत लेकर कौन आया है और खुली गुमराही में कौन मुबतला है तुम इस बात के हरगिज उम्मीदवार ना थे कि तुम पर किताब नाजिल की जाएगी ये तो महज तुम्हारे रब की मेहरबानी से तुम पर नाजिल हुई है बस तुम काफिरों के मददगार न बनो यानी अब इस किताब के मुताबिक अमल करो और इस किताब से जो इनकार करेगा वो अपना रवैया कुफर वाला रखेगा और ऐसा कभी ना होने पाए कि अल्लाह की आया जब तुम पर नाजिल हो तो कुफार तुम्हें उनसे बाज रखें अपने रब की तरफ दावत दो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया इला रब्बिक अपने रब की तरफ दावत दो उद उ दावत देना और वही बात हमने पहले भी की थी कि दावत कैसे दी जाती है इनवाइटिंग अंदाज कैसे होता है मोहब्बत के साथ आप किसी को जब इनवाइट करती हैं आप किसी को दावत पर बुलाती हैं तो आप बहुत ही मोहब्बत के साथ बुलाती हैं और जब आप मोहब्बत के साथ बुलाती हैं तो इसका मतलब क्या होता है आपके जज्बात उसमें शामिल हैं आप उनसे हमदर्दी रखती हैं आप जिससे नफरत करते हैं जिसको आप पसंद नहीं करती उसको आप अपने घर खाने पर थोड़ी बुलाती हैं आप अपने घर खाने पर किसको बुलाती हैं जिससे आप मोहब्बत करती हैं जिसके साथ आप वक्त गुजारना चाहती हैं जिसके साथ बैठकर आप कुछ वक्त जो है बातें करना चाहती हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारी डाली गई वो इला रबिक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाइए इन्वाइट कीजिए मोहब्बत के साथ जैसे कि इन्विटेशन दिया जाता है आप देखती हैं किसी के बेटे की शादी है आपको भी मालूम है छह महीने के बाद उनके बेटे की शादी है खुद भी आकर आपसे कहेंगी और आपको फोन पर भी बताएंगी और आपको अलग से कार्ड लाकर भी दिया जाता है क्यों इतनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा होता है ख्वाहिश होती है कि आप आए अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाए तो ये इन्वाइटिंग अंदाज रखना होगा लोगों की खताओं से दरगुजर करते हुए उनको अल्लाह की किताब पर अमल करने के लिए माहौल देना होगा अपने आप को एज एज अ अ अजसार पेश करना होगा ताकि वो जो हिजरत करके अपने घरों से निकलकर आपके साथ आकर बैठ रहे हैं उनको उनसियत महसूस हो उनको अपनाइयत महसूस हो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह दावत का काम किया अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौजूद नहीं है तो ये जो कहा गया वद ओ इला रबी का वला तकू नन्ना मिनल मुशरकिन अपने रब की तरफ दावत दो और हरगिज मुशरको में शामिल ना हो अब ये जिम्मेदारी आपके और मेरे कंधों के ऊपर है अल्लाह ने कह दिया अपने रब की तरफ दावत दो और जो रब की तरफ दावत देने वाला होता है वो मुशरकिन में से नहीं होता उसका अमल उनसे टैली नहीं करता जो मुशरक है उसका अमल और उसका लाइफ स्टाइल उनसे मिलता जुलता नहीं होता जो मुशरक है उसका अमल तो उससे टैली करेगा जो अल्लाह के रास्ते पर बुलाने वाले थे अन आमता अलम वाले लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम किया था और जिन पर अल्लाह ने इनाम किया था वही आपके और मेरे लिए रोल मॉडल है अल्लाह की शान है कि अल्लाह ताला ने सूर्य जो आपको और मुझे सबक दिया है वो सबक आपकी और मेरे लिए जिंदगी भर काम आता है पूरे कुरान को पढ़ते हुए काम आता है कैसे अल्लाह ने वहां कहा था हमने जब कहा था मुस्तकीम अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा तो उसके बाद दुआ क्या की थी बंदे ने सरवातना अन अमता अल उनका रास्ता जिन पर आपने इनाम किया था अन अमता फेले माजी आया है और आपको पहले भी बताया है कि अरबी के अंदर इसम जो है वो उसमें परमानेंस होती है फेल के अंदर टेम्पररी फीलिंग्स आती हैं तो अल्लाह के कहा गया कि यानी अल्लाह आपने जिन पर इनाम किया था वो जो माजी में सेल्फ साल गुजर चुके वो जो ताबेन गुजर चुके वो जो तबाह ताबिन गुजर चुके वो जो अंबिया गुजर चुके वो जो सिद्दीकीन गुजर चुके वो जो शहदा गुजर चुके वो आपके और मेरे लिए काबिल अमल है उनको रोल मॉडल बनाइए और आगे क्या कहा था अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला से बंदे ने कौन सा रास्ता मुझे नहीं चाहिए अलैहिम वलद अल मकदूब अद अदीन दोनों इसम आ गए यानी आज भी जो ऐसे अमल करने वाले हैं कि जो भटके हुए हैं जो इल्म के बगैर अमल करते हैं या जो अमल के अमल के करने के शौकीन है मगर इल्म नहीं रखते हमें इन दोनों में से नहीं होना तो अल्लाह का बंदा मुशरिकों में से शामिल नहीं हो सकता जिसको अल्लाह के रास्ते पर लोगों को बुलाना है वो अपने अमल को ट्वेंटी फोर सेवन अल्लाह की बंदगी में ले आता है प्योर कर लेता है इस्लाम की प्रिस्टीन प्योरिटी का ख्याल रखता है इस्लाम के अंदर एक भी धब्बा मुशरकों के अमल का नहीं लगने देता ये आपको और मुझे अपनी जिंदगियों में ख्याल रखना है इसलिए कि जिम्मेदारी आपके और मेरे कंधों पर है अल्लाह ने कहा वाला अल्ला ही इलाहन आखर। और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो उसके सिवा कोई माबूद नहीं है हर चीज हलाक होने वाली है इन इल्ला वज़ह हर चीज हलाक होने वाली है सिवाय उस जात के जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की है लाहुल हुक्म फरमा रवाई उसी की है व इले तुरजाउन उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाओगे तो आर्जी दुनिया में क्यों इन्वेस्ट करते हो जो अलबाकी है उसके लिए इन्वेस्ट करो जो अलबाकी के लिए इन्वेस्ट करेगा उसका अमल भी हमेशा बाकी रहेगा जो अलबाकी की तरफ अपना रुख कर लेगा उसका रुख उ, उसको अलबाकी जिंदगी की तरफ ले जाएगा और वो अलबाकी जिंदगी उसको जन्नत की सूरत में मिलेगी सूरत अनकबूत अनकबूत का मतलब होता है मकड़ी स्पाइडर मक्की सूरत है और इसके अंदर आपको मसायब के ऊपर सबर करना जो है ये मिलेगा अलिफ लाम मीम, आई आई ला अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया ना जाएगा अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया ईमान का जो दावा करेगा जिसने कलमा पढ़ लिया उसके ऊपर आजमाइश आएगी हम पीछे भी पड़ाए वाला न बुल न कुम और तुमको जरूर बिल जरूर बिल जरूर आजमाया जाएगा अल्लाह ने वहां भी कहा अम हसिब तुम जन्न। क्या तुमने गुमान किया है कि तुम ऐसे ही यूं ही टहलते टहलते जन्नत में दाखिल हो जाओगे अल्लाह ने तो ये बात पहले भी बता दी और अल्लाह ताला ने यहाँ दोबारा ये बात मेंशन कर दी कि अल्लाह ताला बंदों को आजमाता है और उलमा कहते हैं कि बाज दफा अल्लाह ताला इंसान को ऐसी जगह से आजमाता है ऐसी जगह से इंसान का इम्तिहान लेता है कि इंसान के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ठोक बजा कर चेक कर लेता है कि अगर मुनाफिकत है तो ये यही छट जाए और अगर मोमिन होता है तो अपने दर्जात की बुलंदी करके अपने लिए अपना मामला इस्तवार कर लेता है जन्नत का कहाँ से आती है आजमाइश हमें नहीं पता होता जैसे मामूली सी मिसाल मिसाल के तौर पर आप बाहर खड़ी होती हैं निकल के और आप एक तरफ अपने ड्राइवर को ढूंढ रही होती हैं ड्राइवर एकदम से दूसरी तरफ से आ जाता है बाजी तो आप एकदम से परेशान हो जाती हैं अच्छा हाँ ठीक है आजमाइश का मामला भी यही है हम समझ रहे होते हैं कि शायद आजमाइश हमारी शक्ल में जो है पता चले खानदान वालों की तरफ से आएगी खानदान वाले बहुत रिएक्शन शो करेंगे खानदान वाले जो है वो बुरा मनाएंगे और खानदान वालों से दूर की बात इंसान के शोहर की तरफ से आजमाइश आ जाती है इंसान के औलाद की तरफ से आजमाइश आ जाती है इंसान के इमिजिएट रिश्तेदार माँ बाप की तरफ से आजमाइश आ जाती है तो अल्लाह ने तो कह दिया है कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाएगा हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं अल्लाह को तो जरूर यह देखना है कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन हैं यानी पक्की बात आजमाइश जरूर आएगी और आजमाइश इम्तिहान आता क्यों है एक बच्चा ग्रेड वन में पढ़ता है उस पर आजमाइश क्या आती है इम्तिहान की शक्ल में जब वो इम्तिहान देता है तो मिसाल के तौर पर अभी उसने काउंटिंग सीखी जब वो इम्तिहान देता है तो काउंटिंग उसको अच्छी तरह आ जाती है दूसरी क्लास में आता है फिर उसको मिसाल के तौर पर एडिशन सिखाया जाता है उसका इम्तिहान देता है तो काउंटिंग के साथ साथ उसको एडिशन करना भी आ जाता है अगले स्टेप पर जाता है तो उसको सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है जब सबट्रैक्शन और मल्टीपिकेशन का इम्तिहान होता है तो उसको काउंटिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपिकेशन सब अच्छी तरह आ जाता है और इसी तरह जैसे जैसे दर्जात बढ़ते जाते हैं इंसान के इल्म में पुख्तगी आती जाती है ऐसे ही जब आजमाइशें आती हैं और उन आजमाइशों में मोमिन साबित कदम रहता है तो अल्लाह तला उसके लिए आसानियां ले आते हैं और अल्लाह ताला उसके लिए जिंदगी में अल्लाह के दीन पर कायम रहने को आसान बना देते हैं तो यहाँ बता दिया गया कि जिसने अल्लाह से सौदा करना है वो जान ले कि अल्लाह का सौदा सस्ता नहीं है जन्नत का सौदा सस्ता नहीं है आजमाइश उसकी आएगी अल्लाह आजमाएगा उसको अल्लाह उसको ठोक बजा कर चेक कर लेगा ये आयत नंबर दो जो आई है वलकत फता इसके लिए स्कॉलर कहते हैं कि ये आयत सबको समझ नहीं आएगी ये आयत उसको समझ आएगी जो अमल के मैदान में कदम रख चुका होगा उसको अंदाजा हो रहा होगा कि कितनी तरफ से उसके ऊपर आजमाइशें आती हैं ये सूरत जब नाजिल हुई है तो ये वो दौर था मक्का के अंदर जिसमें मुसलमानों के ऊपर सख्त सख्त्यूशन हो रही थी वर्बल भी थी फिजिकल प्रसिक्यूशन भी थी उनको जिस्मानी तशद भी किया जा रहा था और उनके ऊपर जुबानी तशद जुबान का तशद भी किया जा रहा था उनको इस तरह भी टॉर्चर किया जा रहा था सहाबा जो थे वो उस आजमाइश के ऊपर सख्त जो थे परेशान भी हो गए थे और उन्होंने अल्लाह के रसूल से भी कहा था कि ये हम हमारे ऊपर आजमाइशें क्यों आ रही हैं तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ये आयत नाजिल की हुम ला कि लोगों ने क्या ईमान को आजमाइशों को जन्नत में जाने को हल्का समझा है अल्लाह तो खूब ठोक बजा कर चेक करता है खबाब इब्ने अरद का वाकया हम जानते हैं कि उनके लिए आता है कि जब उनका मालिक जो था वो उनको तपते कोयलों के ऊपर जलते अंगारों के ऊपर लिटाया करता था तो उनके कमर की चर्बी पिघलने से अंगारे बुझा करते थे और उनकी पीठ के ऊपर उस जो चीज मेल्ट हुई हुई थी, उसके निशानात होते थे तो उन्होंने आके अल्लाह ताला से कहा था एक रिवायत में आता है कि उसके ऊपर ये आयात नाजिल हुई आप सोचें आजमाइशों का हाल कि उनका मालिक उनको तपते हुए कोयलों के ऊपर अंगारों के ऊपर लिटाता था और उसके ऊपर वो कह रहे हैं और उसके ऊपर अल्लाह कह रहा है कि क्या इन लोगों ने ये समझा है कि ये ऐसे ही जन्नत में भेज दिए जाएंगे तो आप और मैं क्या समझते हैं हल्के हल्के बैठे रहेंगे ठंडे ठंडे बैठे रहेंगे ना किसी के माथे पर बल पड़ेगा मेरे अमल को देखकर ना कोई मेरा मजाक उड़ाएगा जब मैं दीन पर अमल करना शुरू करूंगी ना कहीं से मेरी आजमाइश होगी और मुझे जन्नत में दरवाजे में वेलकम करने के लिए फौरन के फौरन फरिश्ते आ जाएंगे ठोक बजा कर अल्लाह चेक करेगा तो अल्लाह तला ने मुसलमानों को भी सबर की तलकीन कर दी और सबर जो है सबर उलमा कहते हैं तीन तरह से किया जाता है एक आता है सबर अनित दुनिया दुनिया के ऊपर भी इंसान सबर करता है कैसे जब इंसान दुनिया में मिलने वाली उन ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लेता है जिन ख्वाहिशात को अगर हम पूरा करें तो हम अल्लाह के नाफरमान हो जाएं तो सबर अनित दुनिया भी होता है फिर स्कॉलर्स कहते हैं सबर अनिल मासिया भी होता है इंसान अपने गुनाहों के ऊपर भी सबर करता है गुनाह की टेम्पटेशन आए और इंसान अपने आप को थाम ले वॉल्टेरिली सबर करे इसको कहते हैं सबर अनिल मासिया गुनाहों के ऊपर सबर करना और एक होता है सबर अनिल इबतला आजमाइशों के ऊपर सबर करना यहाँ पर जिस सबर का जिक्र है वो सबर अनिल इब है इम्तिहान के तौर पर बला के तौर पर आजमाइश के तौर पर जो हालात आएंगे उनके ऊपर सबर कर जाना और क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं पहले अल्लाह तला ने मुसलमानों का परस्पेक्टिव दुरुस्त किया कि देखो अगर तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आ रही हैं, तो ये तुम जन्नत की इंस्टॉलमेंट अदा कर रहे हो घबराओ नहीं साबित कदम रहो साबित कदम रहोगे तो तुम्हारे लिए आगे अजर भी है और शुक्र के मौके भी आएंगे सबर करोगे तो शुक्र का मौका भी आ जाएगा और जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे जो मुसलमानों को अजियतें दे रहे थे उनको भी अल्लाह ताला ने डांट दिया जो मुसलमानों के लिए आजमाइश बने हुए थे क्या वो लोग जो बुरी हरकते कर रहे है ये समझे बैठे है की हमसे बाजी ले जाएंगे बड़ा गलत हुक्म है जो वो लगा रहे है कुफ्वार को बता दिया गया अल्लाह को सब नजर आ रहा है जो तुम जुल्म कर रहे हो अल्लाह गाफिल नहीं है अल्लाह अलबसर है तो दोनों एंड पर अल्लाह ताला ने इन आयतों के अंदर बात कर ली आफियत की जिंदगी दुनिया की जो है इसकी ख्वाहिश में इंसान अपनी आखरत खराब ना करे आपके और मेरे लिए तो यहाँ यही सबक है कि जब मैं और आप कुरान की तरफ आएंगे जब आप और मैं कुरान पर अमल करना शुरू करेंगे तो आप पर और मुझ पर आजमाइे आएंगी तो बाज लोग क्या कहते हैं हम सुनते ही नहीं जब हम सुनेंगे ही नहीं तो अमल भी नहीं करना पड़ेगा और जब अमल नहीं करना पड़ेगा तो आजमाइशें नहीं आएंगी और अगर फिर वापस हम उस चीज को सूर्य फातिहा पर लेकर जाए तो हमें समझ आएगी कि अल्लाह ने जो वहां दो करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं मकदूब अलैहिम और दौलिन मकदूब अलैहिम वो थे जिनके पास इल्म था अमल नहीं किया दौलिन वो थे जिन्होंने अमल किया बगैर इल्म के तो जब हम ये कहते हैं हमें इल्म हासिल नहीं करना बस हम अपनी मर्जी का अमल किए जाएंगे इसका मतलब है हम वॉल्टेली कह रहे हैं कि अल्लाह हमें दौलिन में शामिल फरमा दे यहां तक स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आप ये जुमला बोलते हैं कि अल्लाह मैंने तो इल्म हासिल नहीं करना वरना मेरी पकड़ सख्त हो जाएगी इसका मतलब है आप वॉल्टेरि अपने आप को उस चीज के अंडर लेकर आ रहे हैं जिस चीज के लिए आपने खुद नमाज में खड़े होकर दुआ की थी अल्लाह मुझे दौलिन का रास्ता नहीं चाहिए मगर आपने खुद दौलिन बनना पसंद किया वो दौलिन जिनके पास इल्म नहीं था बस अमल करने की ख्वाहिश होती थी अल्लाह ना करे कि अल्लाह मुझे और आपको मकदूबर के अंडर लेकर आए तो बता दिया गया कि कुछ दो या कुछ लो का सौदा है जन्नत का सौदा बंद मुठियों के साथ तुम जन्नत हासिल नहीं कर सकते तुम्हारे हाथ से कुछ जाएगा तो जन्नत की इंस्टॉलमेंट अदा होगी कभी मजाक उड़ेगा कभी तुम पर तंज होगा कभी तुम पर नजरें ऐसी होंगी जिन नजरों की वजह से तुम्हें तकलीफ होगी कभी तुमको वर्बली परसिक्यूट किया जाएगा कभी जो है हो सकता है तुम्हारी औलाद जो है वही तुमसे बदजन हो जाए तो ये आजमाइशें तो आएंगी आप देखें एक इंसान जो दरख्त हासिल करना चाहता है चाहता है कि उसके बाघ के अंदर आम का दरख्त हो और बीज को अपने हाथ में दबाकर बैठ जाए और क्या आम का दरख्त आ जाए आम का दरख्त आ जाए आम का दरख्त आ जाए आम का दरख्त आएगा बीज को हाथ में दबाकर बैठेंगे तो आम का दरख्त नहीं हासिल कर सकते बीज को जमीन के अंदर दबाएंगे तब आम का दरख्त आएगा और जमीन के अंदर दबाने के लिए जमीन को साफ करना होता है वीड्स को हटाना होता है जंगली जो पौधे होते हैं उनको हटाना होता है उस बीज को डालने के बाद क्या आपने आज बीज डाला सुबह आपको दरख्त मिल जाएगा नहीं मिलता आप आज अमल करेंगी फिर आपको सबर के साथ उस अमर की अमल की हिफाजत करनी होगी आपने बीज डाल दिया अब उसके बाद अगले दिन किसान उठता है उसको पौधा नजर नहीं आता खामोशी होती है जमीन के अंदर बिल्कुल फिर भी वो पानी डालता है उम्मीद के साथ अगले दिन फिर सोता है फिर सुबह उठता है क्या पौधा निकल आता है पौधा नहीं निकलता इतनी जल्दी पौधा नहीं निकलता आपको पता है बीज बीज पर डिपेंड करता है और प्लांट की वेरिएशन पर डिपेंड करता है कभी पौधा पंद्रह दिन के बाद निकलता है कभी जो सीडलिंग फूटता है वो बीस दिन के बाद फूटता है कभी वो सीडलिंग पच्चीस दिन के बाद फूटता है लेकिन किसान हर उम्मीद के साथ सुबह उठता है और पानी डालता है और उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करता है आप और मैं भी इसी तरह जन्नत के लिए अमल करते जाएंगे अमल करते जाएंगे और जब अमल करते जाएंगे तो उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला इसका अजर एक दिन आपके पास मुझे मिलेगा बिल्कुल जैसे आम का दरख्त हासिल करने के लिए उस किसान को बहुत दिन इंतजार करना पड़ता है जन्नत की शक्ल में फल हासिल करने के लिए भी मोमिन को बहुत दिन इंतजार करना पड़ेगा ओवर कुछ नहीं होगा तो बंदों को भी समझा दिया उनको भी जिन पर जुल्म हो रहा था और उनको भी जो जुल्म कर रहे थे जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर किया हुआ वक्त आने ही वाला है और अल्लाह सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है अल्लाह तला मेरे और आपके हर तरह के अमल से वाकिफ है अल्लाह करे कि अल्लाह हम जो अमल कर रहे हैं वो इबादत बन जाए अल्लाह हमारी जिंदगी को बंदगी की शक्ल बना दे अल्लाह हमारे अमाल को क्यामत के दिन नेक अमाल को क्यामत के दिन हमारे नामा अमाल में से निकाल दे ऐसा ना हो कि हम आ मेला तो नौ से बाकी कैटेगरी में आ जाए अमल करने वाले और थकने वाले पता चला यहाँ दुनिया में तो बजहिर बड़ी नेकिया करते थे आखिरत में पहुंचे तो नामा अमाल खाली इसलिए कि किसी की गिमत कर दी किसी की चुगली कर दी किसी के साथ झूठ बोल दिया किसी का दिल दुखा दिया किसी का हक मार दिया किसी का माल छीन लिया किसी को बुरी हकीर नजरों से देख लिया ये सब किया तो क्यामत के दिन सारी नेकियां हमारी हवा की तरह उड़ जाएंगी अल्लाह फरमाया व मन जाहदा फादुल नफसी जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा अपने ही भला, भले के लिए करेगा अल्लाह यकीनन दुनिया वालों से बेनियाज है यानी जो कमाएगा नेकिया उसकी अपनी मेहनत उसकी अपनी कोशिश और उसका अपना फायदा अल्लाह की किबरियाई में इजाफा ना होगा वल्लना आमन सालिहात और जिन्होंने जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए लनुकफी रौन नये और नेका माल करने के बाद क्या उनकी बुराइयां हम उनसे दूर कर देंगे नुकफी रनना ये कफरा का मतलब लफ्जी मतलब क्या होता है एक तो मतलब होता है हमने सुना इनकार करना ना शुक्री करना कफरा के लफ्जी मानी क्या होते हैं एक जगह जमीन को डिक करना खोदना और उसके बाद उसके अंदर कुछ दबा देना और जमीन को लेवल कर देना ये कफरा के लफ्जी मानी होते हैं यानी एक चीज को जमीन के अंदर दबा के ऊपर से जमीन को लेवल कर देना ताकि कुछ नजर आ, ना आए जब अल्लाह कहता है कफर सै कुरान के अंदर इसका मतलब है अल्लाह हमारे नामा आमाल में से गुनाहों को डिलीट कर देगा गुनाहों को डिलीट करने में और इरेज करने में फर्क होता है इरेज करने के बाद तो कुछ भी इम्प्रेशन पीछे रह सकता है पेज के ऊपर लेकिन जब आपने कंप्यूटर से डिलीट कर देती है गॉन फॉर एक चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी आपने गलती से डिलीट कर दी उसके बाद अपना रिसाइकल बिन भी खाली कर दिया अब आपको नहीं मिलेगी अल्लाह ताला इसी तरह से उन लोगों के जो लोग ईमान लाए और उसके बाद उन्होंने नेक अमाल किए उनके गुनाहों को उनके नामाय अमाल से डिलीट कर देता है वालानसन अल का नू या और उन्हें उनके बेहतरीन अमाल की जजा देंगे जो चाहता है कि उसके साथ अल्लाह ते मामला करे वो अपने अमाल को आज से शुरू कर दे इसलिए कि ईमान के साथ शर्त रखी गई है आमिलु की इतने रहीम रब के के होते हुए भी इंसान खुद को अल्लाह जलाल का मुस्तक बना ले रोजे मैशर तो ये बड़ी महरूमी है हमने इंसान को हिदायत की बवसईन अल इंसान इंसान अवाल हुसन हमने इंसान को हिदायत की कि अपने वाले के साथ नेक सलूक करे बता दिया गया माँ बाप के साथ बेस्ट मामला रखना हुस्नन, जो भी बेहतरीन हो बस वो मां बाप के साथ करना मुस्कुरा कर देखो माँ बाप को उनके पैर दबा दो उनके लिए पानी बना, ले आओ उनके लिए चाय बना दो उनसे पूछे बगैर उनके घर की ग्रोसरी कर दो उनको बगैर ओकेजन के गिफ्ट दे दो उनकी बटरिंग करो अगर तुमने बटरिंग करनी ही है किसी की तो माँ बाप की बटरिंग करो वाले का ख्याल रखो उनको राजी करो उनके सामने छोटा बनकर रहो अल्लाह ने कहा हुसन जो भलाई भी कर सकते हो माँ बाप के साथ करो उनके पाओं दबाए और याद रखे दो हस्तियां जिनकी आप कभी तरबियत नहीं कर सकते माँ बाप और शोहर तो माँ बाप के साथ बहुत इज्जत और एहतराम का मामला रखे लेकिन अल्लाह तला ने फिर आगे बता दिया व इन बी मा लई सला का भी इल फला तो हुमा। लेकिन अगर वो तुझ पर जोर डाले कि तू मेरे साथ किसी ऐसे मबूद को शरीक ठहराए जिसे तू मेरे शरीक की हैसियत से नहीं जानता तो उनकी इतात ना कर बता दिया गया कि माँ बाप की इतात अल्लाह की नाफरमानी करते हुए नहीं हो सकती अल्लाह की फर्मा बरदारी के अंदर ही माँ बाप की फरमा बरदारी होगी वरना माँ बाप की वो बात नहीं मानी जाएगी अगर वाले दें नेकियों में आगे ना बढ़ने दें तो फिर यकीन माँ बाप की इतात नहीं हो सकती हाँ उनके साथ हुसना वाला मामला अपनी जगह रखने का है मोहब्बत से बात करना अपनी जगह पर है एक सहाबी सात बिन अभी वकास जिनके लिए आता है कि उनकी वालदा मुश्रक थी और ये यंग थे ये नौजवान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे इनकी वालदा ने कहा कि जब तक तुम इस दीन से नहीं फिरोगे जिस दिन को तुमने अपने मां बाप के दिन को ठुकरा कर हासिल किया है मैं कुछ नहीं खाऊंगी कुछ नहीं पीऊंगी और इन्होंने कहा कि मैं जब तक अपना रोजा नहीं तोड़ूंगी जब तक तुम अपने दीन पर वापिस नहीं पलट आओगे साथ बिन अभी वकास के लिए आता है कि उन्होंने अपनी माँ से कहा कि ऐसी सौ रूहें भी मेरी माओ की आ जाएं जो मुझे इस दीन से फिरने के लिए कहें मैं उन सौ रूहों को माँ की कुर्बान कर दूंगा लेकिन मैं अल्लाह वाहिदुल कहार के अलावा किसी को अपना माबू नहीं मानूंगा ये ईमान का कन्विक्शन होता था लेकिन अपना हुसन सलूक माँ के साथ वैसे ही बरकरार रखा रिवायात में आता है कि माँ ने खुद ही अपना रोजा जो था जो उन्होंने रखा था कि मैं कभी खाऊंगी पियूंगी नहीं वो उन्होंने तोड़ दिया तो अल्लाह तला ने कह दिया कि अल्लाह की नाफरमानी के अंदर वाले इता नहीं हो सकती मेरी ही तरफ तुम सबको पलट कर आना है फिर मैं तुमको बता दूंगा कि तुम क्या करते रहे हो तो वालदेन से अच्छा सलूक करने का और झुक कर रहने की यहाँ पर बात कर दी गई लेकिन जब माँ बाप फराइज पर काम करने से मना करें फराइज पर स्टैंड लेने से मना करें तब आपको जम जाना है मोहब्बत के साथ के अम्मी अब्बा मैं इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती जो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की तालीमत मेरे सामने आ गई हैं, अब मैं इसके अगेंस्ट अमल नहीं कर सकती नवाफिल में आप माँ बाप की बात मानेंगी, लेकिन फरायज के अंदर आपको बात किसकी माननी होगी अपने अल्लाह इज्जत की जो लोग ईमान लाए होंगे जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे उनको हम जरूर साल में दाखिल करेंगे लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर मगर जब वो अल्लाह के मामले में सताया गया तो उसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह की अजाब की तरह समझ लिया अब अगर तेरे रब की तरफ से फतेह और नुसरत आ गई तो यही शख्स कहेगा कि हम तो तुम्हारे साथ ही थे यानी किसकी तरफ इशारा है ये मुनाफिक की तरफ इशारा है जो लोग इस्लाम पर अमल करना चाहते हैं लेकिन कब जब इस्लाम को कामयाबियां मिले अगर लोग उनको दीन पर चलते देख कर खुश होते हैं तो ये लोग दीन पर चलते रहते हैं अगर लोग उनको दीन पर चलते देख कर बातें बनाते हैं तो ये अपना रुख दुनिया की तरफ मोड़ लेते हैं लोगों के खौफ से अल्लाह को नाराज कर देते हैं लेकिन अल्लाह की नाराजगी का खौफ इनको लोगों से दूर नहीं होने देता तो मुनाफिकीन का जिक्र कर दिया गया अगर किसी ने आपके स्कार्फ पहनने पर बहुत आपकी तारीफ कर दी तो बड़ा खुशी खुशी स्कार्फ पहन लिया अगर किसी ने कह दिया माई लग रही हो बिल्कुल तो फिर अगले दिन स्कॉफ उतार दिया कि मुझे माई लगने का कोई शौक नहीं है तो इस तरह के लोगों का जिक्र किया गया जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और लोगों का अप्रूवल चाहते हैं क्या दुनिया वालों के दिलों का हाल अल्लाह को बखूबी मालूम नहीं है अल्लाह को तो जरूर यह देखना ही है कि ईमान लाने वाले कौन हैं और मुनाफिक कौन बता दिया गया आजमाइश पर सबर ईमान है और आजमाइश से भाग जाना मुनाफिकत निफाक है ये लोग ये काफिर लोग ईमान लाने वालों से कहते हैं कि तुम हमारे तरीके की पैरवी करो और तुम्हारी खताओं को हम अपने ऊपर ले लेंगे हालांकि उनकी खताओं में से कुछ भी वो अपने ऊपर लेने वाले नहीं हैं, वो कत अन झूठे हैं जैसे लोग नहीं कहते रिश्तेदार नहीं कहते हाँ हाँ तुम तो मेरी बात मान लो मैं अल्लाह के हाँ तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा शोहर कहते हैं तुम तो मेरी बात मानो मैं अल्लाह के हाँ तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा मैं कह दूंगा मैंने इसको कहा था अल्लाह की ये बंदी जो है आपकी ये काम नहीं कर सकती अल्लाह तला ने कुरान में बता दिया है यो मुमिन अखी व उम्मी ही अब व स्वाही ही व बनी वो दिन जिस दिन माँ भी अपने बच्चे को छोड़ देगी भाई भी छोड़ देगा बीवी भी छोड़ देगी दोस्त अहबाब भी छोड़ देंगे ये झूठ बोलते हैं कि हम क्यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेंगे हाँ जरूर वो अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ दूसरे बहुत से बोझ भी और क्यामत के रोज यकीन उनसे उन इफ्तरा परदाजियों की बास पुरुष होगी जो वो करते रहे हैं हमने नू को उसकी कौम की तरफ भेजा और वो पचास कम एक हजार बरस उनके दरमियान रहा यानी नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी आखिरकार इन लोगों को तूफान ने आ घेरा इस हाल में वो जालिम थे. फिर नू को और कश्ती वालों को हमने बचा लिया और उसे दुनिया वालों के लिए एक निशाने इबरत बना कर रख दिया अल्लाह ताला ने इस सूरत में इस मक्की सूरत में इस मुकाम पर यह मिसालें देकर मुसलमानों को सबर की तलकीन कर दी सबर की मिसाल दे दी और बता दिया कि तुमसे पहले भी ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सबर किया और कितने लोग इससे पहले अल्लाह के रास्ते पर चल चुके हैं जिन पर लोगों ने अजियतें ढाई और सबसे पहले नू असलाम का जिक्र करके ये बता दिया गया कि मेरे उस बंदे ने साढ़े नौ सौ साल सबर किया तुम पर तो अभी आजमाइशे आए हुए दस ग्यारह साल ही हुए हैं ए मक्का वालों और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पूज रहे हो वो तो महज महजबुत है हैं, और तुम एक झूठ गड़ रहे हो दर हकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो तुम्हें कोई रिस्क भी देने का इख्तियार नहीं रखते अल्लाह से रिस्क मांगो व अबू हूँ इलैही तुरजाउन उसी की बंदगी करो उसी का शुक्र अदा करो उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले बहुत सी कौमें झुटला चुकी हैं और रसूल पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई और जिम्मेदारी नहीं है क्या उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं किस तरह अल्लाह खल्क की इब्तदा करता है फिर उसका अयादा करता है यकीन ये अयादा तो अल्लाह के लिए आसान तर है इन नजाले का अल्लाह ही उनसे कहो कि जमीन में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलक़ की इब्तदा की है फिर अल्लाह किस तरह दोबारा जिंदगी बख्शेगा यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है जिसे चाहे सजा दे जिस पर चाहे रहम फरमाए उसी की तरफ तुम फेरे जाने वाले हो तुम न जमीन में आजिश करने वाले हो न आसमान में और अल्लाह से बचाने वाला कोई सरपरस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है तो ये जो तुमने फैंटम फियर्स अपने रखे हुए हैं जिन फैंटम फियर्स का तुम शिकार हो रहे हो हो सकता है कि इनकी वजह से तुम बजा तुम्हें लगे कि तुम अपने अमल को छोड़कर थोड़ी देर के लिए दुनिया में अपने लिए आफियत इकट्ठी कर रहे हो लेकिन तुम्हें असल में आखिरत में आसमानों और जमीन में बचाने वाला कोई भी नहीं होगा अल्लाह रहीम है तो अल्लाह की आयात की कदर करो अल्लाह की निशानियों की कदर करो अल्लाह ने जो हालात तुम पर डाले हैं उन पर सबर करो ताकि अल्लाह ही जो है वो तुम्हें बेहतरीन नवाजे लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह की आयात का और उससे मुलाकात का इनकार किया है चाहे जुबान से इनकार किया है चाहे अमल से इनकार किया है ये कहकर भाई क्या करें हमारा लाइफस्टाइल तो इसकी इजाजत नहीं देता या ये कहकर हम क्या करें हमारे खानदान में तो ये मुमकिन ही नहीं है या ये कहकर मैं अपने लाइफस्टाइल को कैसे बदल दूं मेरे स्टेटस के ऊपर तो कुरान के इस अमल पर अमल करना मुमकिन ही नहीं है तो अल्लाह ने क्या कहा ऐसे लोगों के लिए वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं और उनके लिए दर्दनाक सजा है फिर इब्राहिम की कौम का जवाब उसके सिवा कुछ न था उसने कहा ओ कुतुल और कतल कर दो इसे या जला डालो इसको आखिरकार अल्लाह ने उसे आग से बचा लिया यकीनन इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं. और उसने कहा कि तुमने दुनिया की जिंदगी में तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का जरिया बना लिया है मवदता बई निकुम फिलहत दुनिया मगर क्यामत के रोज तुम एक दूसरे का इनकार और एक दूसरे पर लानत करोगे और आग तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा उस वक्त लूत ने उसको माना लूत इब्राहिम सब्राहिम के भतीजे थे को थे और इब्राहिम सलाम ने कहा मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ वो जबरदस्त है और हकीम है हमसे भी कहा गया है मिल्लता इब्राहिमा हनीफा के ऊपर आ जाओ हमसे कहा गया है इब्राहिम सलाम के तरीके पर आ जाओ उन आदतों से हिजरत कर लो जो आदतें अल्लाह के अहकाम के मुनाफी हैं उस सोच से हिजरत कर लो जो सोच तुम्हें गुनाहों की तरफ लेकर जाती है उस लाइफस्टाइल से हिजरत कर लो जो लाइफस्टाइल सुन्नतों से टकराता है हमने उसे इसहाक और याकूब जैसी औलाद इनायत फरमाई और उसकी नस्ल में नबूवत और किताब रख दी और उसे दुनिया में उसका अजर अता किया और आखत में यकीन वालहीन में से होगा याद रखे जिहाद जो है वो दो तरह से होता है एक जिहाद होता है दुश्मनों से और एक जिहाद होता है मोहब्बतों से आपका और मेरा जिहाद मोहब्बतों से जिहाद होता है ज्यादातर और ये जो मोहब्बत से जिहाद किया जाता है ये बड़ा मुश्किल जिहाद होता है इब्राहिम आलम ने अपनी मोहब्बतों से जिहाद किया अपने सारे कंफर्ट जोन छोड़े उन्होंने अल्लाह की कदर की तो अल्लाह ने भी उनकी कुर्बानियों की बड़ी कदर की अल्लाह ने उनको खलील उल्लाह कहा अल्लाह ने उनके लिए कहा वमा काना मिनल मुशरकिन तो डरे नहीं अल्लाह के रास्ते में अपने आप को इन्वेस्ट करने से अपनी औलाद को अपनी बीवी को अल्लाह के रास्ते में इन्वेस्ट करने से आप और मैं डरे नहीं शैतान हमें फकर से डराता है शैतान हमें कहता है दीन पर अमल करोगे दुनिया तंग हो जाएगी शरीयत को अपनाओगे हालात मुश्किल हो जाएंगे गुजारा नहीं होगा औलाद अच्छी तरह पढ़ नहीं सकेगी औलाद तुमसे खुश नहीं होगी ये सब शैतान के धोखे हैं अल्लाह ने साफ बता दिया इब्राहिम अल्लाम को फॉलो करो इसलिए कि उन्होंने अपने और अपने अल्लाह की राह में मोहब्बत की राह में किसी और हस्ती को नहीं आने दिया हमने लूत को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा तुम तो वो फोहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं किया क्या तुम्हारा हाल ये है कि मर्दों के पास जाते हो और राहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो यहाँ पर लफ्ज क्या आया वाता तू न फी नादी कुमुल मुनकर नादी ना अरबी जुबान में क्लब को कहते हैं नादी नादी कुम अपने क्लब्स में जाते हो बता दिया गया कि क्या तुम वो काम करते हो जिस काम से तुम्हें रोका गया है स्कॉलर्स कहते हैं कि कॉम का प्रोवर्जन जो शुरू होता है तो उस कॉम के अंदर नाइट क्लब्स बन जाते हैं और इंसान फिर उन नाइट क्लब्स के अंदर जानवर की सता से भी गिर कर ये काम करता है कि दूसरों को वो काम करते हुए देखे हम सब जानते हैं कि नाइट क्लब्स के अंदर क्या होता है हम क्लब्स की बात नहीं कर रहे नाइट क्लब्स की बात कर रहे हैं कि इंसान उस काम को देखकर प्लेजर महसूस करे जिस काम को अल्लाह ताला ने निकाह के दायरे के अंदर सात पर्दों के अंदर करने के लिए कहा है तो इनका भी यही जो था वो सबसे बड़ा मर्ज बन गया था कि इनके नाइट क्लब्स थे और इन्होंने उसके अंदर फहाशी के अड्डे बनाए हुए थे तो ये नाइट क्लब्स आज की ईजाद नहीं है इक्कीसवीं सदी की ईजाद नहीं है इतने हजारों साल पुरानी बात है जिसको कुरान में बता दिया गया फिर कोई जवाब उसकी कौम के पास उसके सिवा ना था कि उन्होंने कहा ले आ अल्लाह का अजाब अगर तू सच्चा है सलाम ने कहा रबनी अल कौमिल मुफ्दीन एमद रब इन मुफ्दों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा यहाँ मुफ्सिद कौन जो बेहयाई में न्यूडिटी में शेमलेसनेस में अपने आप को इन्वॉल्व करे और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेकर पहुंचे तो उन्होंने उससे कहा मैं इस बस्ती के लोगों को हलाक करने हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं उसके लोग जालिम हो चुके हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वहाँ तो लूत मौजूद है उन्होंने कहा हम खूब जानते हैं कि वहाँ कौन कौन है हम उसे और उस और उसकी बीवी के सिवा उसके बाकी सब घर वालों को बचा लेंगे उनकी बीवी का प्रॉब्लम क्या था उनकी बीवी का प्रॉब्लम यह था कि मुसलमान तो थी मुशरिका नहीं थी काफिर नहीं थी लेकिन अपने रिवायात में आता है कि अपने शोहर के राजों को अपनी कौम के लोगों को जाकर बता दिया करती थी तो मोमिन औरत की एक खूबी जो हम पीछे पढ़ आए हैं कुरान के अंदर हाफिजातुल गईब हिफाजत करने वाली होती है शोहर के राजों की शोहर की खामियों को फ्लॉन्ट नहीं करती तो बेहतर यह है कि हम अपनी बेटियों के अंदर इस क्वालिटी को इनकलकेट करें इनग्रेंट करें कि बीवियां जब वो बने तो अपने शोहरों की खामियों को फ्लॉन्ट ना करती फिरें लेकिन दुख इस बात पर होता है कि माए खुद बेटियों से उकसा उकसा कर पूछती हैं सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक चल रहा है ना सब ठीक खुश हो ना छह दफा पूछने की क्या जरूरत है उसने एक दफा कह दिया जी अम्मी अलहमदल्ला खुश हो। नहीं नहीं, नहीं तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ठीक है ना तुम्हारा शहर तुम्हारे साथ ठीक है ना कोई ऐसी बात तो नहीं है क्या उकसा कर आप उससे पूछना चाह रहे हैं तो माओ को भी कहना चाहिए कि जब कभी बेटी कुछ बताने की कोशिश करे तो अल्लाह हमें ऐसी माए बनाए कि हम उनको समझाएं कि बेटा छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं और शोहर की खामियों को फ्लॉन्ट नहीं करते ये अच्छी बातें नहीं है अक्लमंद माए इस तरह की डिस्कशन को एनकरेज नहीं करती और यहाँ यही बात बताई गई गयी की लूतम की बीवी का जो प्रॉब्लम था कि वो राजों को फाश करने वाली थी तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह उनको उसको तबाह कर देगा और लूत और बाकी घर वालों को बचा लेगा कानत में नलगा बेरीन उसकी बीवी पीछे रह जाने वालों में से थी फिर जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो उनकी आमद पर वो सख्त परेशान और तंगदिल हुआ उन्होंने कहा ना डरो और ना रंज करो हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे सिवाय तुम्हारी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से है हम उस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं उस फिस की बदौलत जो ये करते रहे हैं और हमने उस बस्ती की एक खुली निशा... हमने उस बस्ती को एक खुली निशानी बनाकर छोड़ दिया उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं और मदीन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा उसने कहा ऐ मेरी कौम के लोगो अल्लाह की बंदगी करो और रोजे आखिर के उम्मीदवार रहो वा अर्दी मुफ्सिदी और जमीन में बनकर ज्यादतियां ना करते रहो मुफसद बनकर नापतोल में कमी ना करो मगर उन्होंने उसे दिया आखिरकार एक सख्त जलजले ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में पड़े के पड़े रह गए आप देखें ज्यादातर परेशानी की खबरें इंसान को अपने घर में ही मिलती हैं, ज्यादातर इंसान को मौत की खबरें भी अपने घर में मिलती हैं तो मौत के डर से दुनिया के कम होने के खौफ से आप और मैं कहीं कुरान की महफिल में ना पहुंचे सिर्फ और सिर्फ अपने घरों को बचाने के लिए मौत का डर आपको और मुझे ऐसा फैंटम फ़ियर ना दे दे कि आप और मैं घरों से निकल ना सके कदम ना निकाल सके बाहर बीमारियां भी घरों में आती हैं तो डरना कैसा अल्लाह की खातिर जिहाद करें अल्लाह की खातिर हिजरत करें यह हिजरत आपको इनशाला जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देगी तो जो होना होता है वो होना होता है अल्लाह ने इतनी कौमों का जिक्र कर दिया और बता दिया कि वो अपने घरों में पड़े के पड़े रह गए और आद और समूद को हमने हला किया तुम वो मुकाम देख चुके हो जहाँ वो रहते थे उनके अमाल को शैतान ने उनके लिए खुशनुमा बना दिया और उन्हें राह रात से रोक दिया हालांकि वो होश गोश रखने वाले लोग थे स्मार्ट एलेक्ट थे वर्ल्डली वाइज थे अपने वक्त की सुपर पावर थे मगर आखरत से बिल्कुल लाइल थे तो जिसके पास बेतहाशा दुनिया का इल्म हो कबर के अंदर फरिश्ता उसको नहीं कहेगा कि तुम पास हो गए तुम ग्रेजुएट कर गए अगर उसके पास दीन का इल्म ना होगा जिसके पास दुनिया भर का इल्म हो आखरत के इल्म से वो ला इल्म हो तो वो सबसे बड़ा इग्नोरेंट इंसान है और कारून और फिर और हामान को हमने हलाक किया मूसा उनके पास बैनात लेकर आया मगर उन्होंने जमीन में अपनी बड़ाई का जोम किया हालांकि वो सबकत ले जाने वाले ना थे आखिरकार हर एक को हमने उसके गुनाह में पकड़ा फकुल्लना बीम भी हर एक को उसके गुनाह में पकड़ा फिर उनमें से किसी पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी किसी को एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया किसी को हमने जमीन में धसा दिया किसी को गर्क कर दिया अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला ना था मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे अल्लाह हमें भी मोहलत देता है और अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें अपने इंतकाम से हलाक ना कर अल्लाह हमें मोहलत दे कि अल्लाह हम आप, आपकी रजा हासिल कर लें और ऐसे हाल में हमें मौत आए कि हम अपने अंजाम से राजी हो और अल्लाह हमसे राजी हो मसलिन का मसलबूत जिन लोगो ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस बना लिए हैं उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है और सब घरों में सबसे ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का होता है इन्ना औलबुल अंकबूत काश ये लोग इल्मे निग्लेक्ट का तस्वुर है जिसको हम समझे बैठे है दुनिया को की हमारे मजबूत कसर तामीर हो रहे है हमारे बड़े मजबूत घर हैं ये घर अल्लाह की नजर में आपके और मेरे बड़े बड़े घर आलीशान घर अल्लाह की नज़र में मकड़ी के घरों जैसे हैं अगर इनके अंदर शिरक है अगर इनके अंदर अल्लाह की नाफरमानी है अगर इनके अंदर वसल्लम की सन्नतों का मजाक है तो अल्लाह के मुकाबले में आपका और मेरा कोई वकील नहीं आ सकता जो हमें इन घरों के अंदर तबाही का शिकार होने से बचा ले ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज को भी पुकारते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है वही जबरदस्त और हकीम है व तिल कल तिलकल ये मिसालें हम लोगों की फहमाइश के लिए देते हैं यानी हम लोगों को मिसाल बयान करने के लिए देते हैं मगर उनको वही लोग समझते हैं जो इल्म रखने वाले हैं अल्लाह ने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है दर हकीकत इसमें एक निशानी है अहल ईमान के लिए अल्लाह तला हमें इन निशानियों को देख कर अमल करने वालों में शामिल फरमाए पारा नंबर इक्कीस उतलुमाही का मिनल किताब किताबी वकीम इन तनहा मुनकर विक्र अकबर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करो उस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के जरिए से भेजी गई है और नमाज कायम करो यकीन नमाज फोहश और बुरे कामों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है बता दिया गया यहाँ पर नमाज का मकसद हर इबादत का अल्लाह ने कोई न कोई मकसद रखा है जैसे रमजान के रोज़ों का मकसद ला अला कह के, के बता दिया गया यहाँ नमाज का मकसद बता दिया गया इन ना तन्हा अनिल फहशा इवल मुनकर जो कॉन्शियस लेवल पर नमाज पढ़ी जाए जो जिंदा नमाज हो जिस नमाज को पढ़कर अल्लाह याद आ जाए से कहा गया था जिस नमाज को पढ़कर अल्लाह याद आएगा वो नमाज आपको फोहश से और आपको बेहयाई के कामों से रोकेगी अगर वाकई नमाज का इम्पैक्ट जिंदगी पर होता है तो ये आपको इस शक्ल में नजर आएगा जब इंसान शुरू और फिकर के साथ जिंदा नमाज पढ़ेगा नमाज की कबूलियत की निशानी उलमा कहते हैं ये है कि इंसान के अंदर हया आ जाती है अल्लाह से भी हया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हया अल्लाह के बंदों से भी हया और अल्लाह के बंदों से जब हया आती है तो इंसान अपने आप को ढांप लेता है अल्लाह से हया आती है इंसान गुनाहों में इन्वॉल्व नहीं होता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को रिजेक्ट नहीं करता निग्लेक्ट नहीं करता इंसान गुनाहों से फिर दूर रहने की कोशिश करता है और बेहतरीन नमाज वो है जिसमे आपको अल्लाह याद आ जाए क्या वन वनूब हिम जो उठते बैठते अल्लाह को याद करे और कहा गया वाला जिक्र अकबर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के मुताबिक वाला जिक्र अल्ला अकबर का मतलब क्या है यहाँ अल्टीमेट जिक्र कुरान की बात है कि अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है असल में अल्लाह का जिक्र अल क्रन है तुम्हे हर वक्त कोई ना कोई वजीफा चाहिए होता है तुम्हें कोई तस्वीर चाहिए होती है तुम चाहते हो इस मुश्किल के लिए फलाम वजीफा बता दें कौन सा तरीका अपनाऊं कौन सी सूरत पढ़ूं कि मेरी बच्चियों के रिश्ते आने लग जाएं कौन सी सूरत पढ़ूं कि मेरे शौहर के कारोबार में बरकत हो जाए कौन सी सूरत पढ़ूं कि मेरी बच्ची जो है अपने घर में खुश रहे कौन सी सूरत पढ़ूं कि मेरा बेटा मेरा फर्मा हो जाए हर वक्त हम इन्हीं वजीफों की तलाश में रहते हैं अल्लाह का कलाम आपके और मेरे लिए हर गम का इलाज हर गम का वजीफा है अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो तो बता दिया गया कि इंसान क्या करे अपनी एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान तक के वक्फे में मैक्सिमम फर्मा बरदार रहने की कोशिश करे और अपनी हर नमाज को ऐसे पढ़े जैसे कि ये इसकी आखिरी नमाज है आप इमेजिन करें किसी ने कहा कि मलाकुल मौत आपके पास आए और आपसे कहे कि मैं तुम्हें दो रकत पढ़ने की इजाजत देता हूं दो रकत पढ़ लो हम जो नियत करेंगे तो हम कभी सलामी नहीं फेरेंगे ऐसा लंबा हम ऐसी अच्छी तजवीज से पढ़ेंगे ऐसा लंबा रुकू करेंगे ऐसा लंबा सजदा करेंगे इतनी ज्यादा आयतें पढ़ेंगे कि क्याम हमारा लंबे से लंबा होता चला जाएगा फिर सलाम फेरने से पहले भी इतनी दुआएं मांगेंगे कि सलाम फेरने पर नहीं आएंगे तो किसी लिये स्कॉलर्स कहते हैं कि अपनी हर नमाज को ऐसे पढ़ें कि जैसे कि ये आपकी आखिरी नमाज हो ताकि आप अपनी नमाज के अंदर शऊर को वापस ला सकें जो कि दुनिया के अंदर रहकर खो जाता है और अहले किताब से बहस ना करो मगर उम्दा तरीके से कैसे इल्ला बिल्लती ही अहसन बात भी खूबसूरती से करो बहस में भी हिकमत से काम लो किसी को कोई बात तुम बताना चाहो तो बहुत सोच समझ कर नपे तोले अल्फाज ने बोलो मिसाल के तौर पर आप किसी से कहें एक खातून ने कहा कि मुझे इफ्तार के ऊपर एक खातून मिली जो कि मीडिया के ऊपर सहरी का प्रोग्राम करती हैं कोई एंकर होंगी तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा हिकमत से उनसे पूछा कि आप तो इतनी सुबह सुबह सारी रात आप जो है वहां पहुंच जाती हैं अपने आ, मीडिया चैनल पे तो आपको इबादत करने का तो मौका ही नहीं मिलता होगा कहती मैंने बहुत डरते डरते सिर्फ ये कहा कि शायद इनको कुछ समझ आ जाए शायद ये समझ जाए तो कहती है नहीं बहुत मौका मिलता है वहां कवाली का और नातों का इंतजाम होता है तो हिकमत क्या है अब उसमें हिमत क्या होगी कि ऐसे इंसान अगर कभी आपसे मुलाकात हो और आपको उनकी ऐसी बात कहना चाहें, अब आप किस तरह से एक बात दीन की पहुंचा कर हिकमत के साथ उनके सामने तबलीग कर सकती हैं? आप कहें जी हाँ बिल्कुल आपको मौका मिलता है लेकिन अफजल चीज अफजल इबादत कुरान की इबादत है तो कोशिश करें कि आपको कुरान पढ़ने का मौका भी मिल जाए बस आपने मोहब्बत के साथ उनकी बात को डिनाई भी नहीं किया इसलिए कि जब आप किसी को ये कहते हैं कवाली अरे ये तो बिल्कुल अन इस्लामिक है आप ऐसी चीज सुनती हैं अब क्या होगा वो डिफेंसिव मोड पर चले जाएंगे और आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे तो अल्लाह से इंसान हिकमत जरूर मांगे अपने रिश्तेदारों में दीन फैलाने के लिए हमें हिकमत चाहिए अपनी औलाद में दीन फैलाने के लिए हमें हिकमत चाहिए अपने आसपास के दोस्तों में दीन की बात करने के लिए हमें हिकमत चाहिए और अल्लाह ने कहा जो बात करो इल्ला बिल्लती आहसन अहले किताब के साथ भी ये कहा गया कि एहसन तरीके से बहस करो सिवाय उन लोगों के जो उनमें से ालिम हो और उनसे कहो कि हम ईमान लाए हैं उस चीज पर भी जो हमारी तरफ भेजी गई है और उस चीज पर भी जो तुम्हारी तरफ भेजी गई थी हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है हम उसी के मुस्लिम फरमा बरदार है ए नबी हमने इसी तरह तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है इसलिए वो लोग जिनको हमने पहले किताब दी थी वो इस पर ईमान लाते हैं और इन लोगों में से भी बहुत से इस पर ईमान ला रहे हैं और हमारी आयात का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं आप देखें आज भी बहुत से ईसाई बहुत से क्रिश्चियन जो हैं, वो रिवर्ट हो रहे हैं और लेटेस्ट रिकॉर्ड के मुताबिक चाइनीज जो हैं, वो बहुत ज्यादा मुसलमान हो रहे हैं तो ये अल्लाह की शान है अल्लाह ताला ने कह दिया कि सब अहले किताब एक जैसे नहीं है सबके साथ जो है वो सख्ती का मामला नहीं होगा सबको जालिम कहकर एक कॉर्नर नहीं कर दिया जाएगा बल्कि उनसे उम्मीद रखी जाएगी कि वो अल्लाह के दिन की तरफ पलटेंगे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले कोई किताब इससे पहले तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना अपने हाथ से लिखते थे वमा ताखतुहू बि यमीनिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि आपको तो लिखना पढ़ना नहीं आता था और आपके जरिए उन सारे अहले अरब को बता दिया गया जो कहा करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है ये कुरान यही वर्जन है तौरात का जो कुरानिक फॉर्म में मोहम्मद पेश कर रहे हैं, तो बता दिया गया कि कुरान जो है आपने हाथ से नहीं लिखा और इसकी वजह से स्कॉलर्स ये भी कहते हैं वाला तो खुद तो भी यमीनिक कुरान जो है वो लिखने से ज्यादा सुनने से समझ आता है तो सुनकर इंसान जरूर जो है कुरान को समझने की कोशिश करे हिफ्स की तरफ भी वो कहते हैं कि इस आयत के अंदर एनकरेजमेंट है किसी ने कहा कि जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो यूं लगता है कि ये औराक पर नहीं बल्कि मेरे दिल पर लिखा हुआ है अगर ऐसा होता तो बातिल लोग शक में पढ़ सकते थे दरअसल ये रोशन निशानियाँ हैं उन लोगों के दिलों में जिन्हें इल्म बख्शा गया है तो दिल में वो चीज बसती है दिल में असल में जज्बात होते हैं तो अपने कुरान के जज्बात को इमोशंस को दिल के साथ साथनाइज करो और हमारी आयात का इनकार नहीं करते मगर वो जो जालिम है ये लोग कहते हैं क्यों ऊना उतारी गई उस शख्स पर निशानियां उसके रब की तरफ से कहो निशानियां तो अल्लाह के पास है और मैं सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ खोल खोल कर और क्या इन लोगों के लिए निशानी काफी नहीं है कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो उन्हें पढ़कर सुनाई जाती है मिजाज क्या है इस किताब का सुनने वाला हिदायत के लिए अगर कोई हिदायत के लिए चाहता है कुरान के करीब आए तो उसका सुनना बहुत जरूरी है बरकत के लिए हो सकता है पढ़ना काफी हो लेकिन हिदायत के लिए सुनना जरूरी है सहाबा ने भी इसको सुना और इससे हिदायत कबूल की दर हकीकत इसमें रहमत और नसीहत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं एन नबी कहो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफी है वो आसमानों और जमीन में जो कुछ है सबको जानता है जो लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह से गफुर करते हैं वही खसारे में रहने वाले हैं, वयस्ता अजिलू का कबील अजाब ये लोग तुमसे अजाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं अगर एक वक्त मुकर न कर दिया होता तो उन पर अजाब आ चुका होता और यकीनन अपने वक्त पर वो आकर रहेगा अचानक इस हाल में उन्हें खबर भी न होगी ये तुमसे अजाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं हालांकि जहन्नम इन काफरों को घेरे में ले चुकी है और उन्हें पता चलेगा उस रोज़ युमा यग शाहौक हिम जबकि अजाब उन्हें ऊपर से भी ढांक लेगा कम्फर्टर की तरह और अर्जुल और पाओ के नीचे से भी उनको ढांक लेगा की तरह कुन अमलून और कहा जाएगा अब चखो मजा उन करतूतों का जो तुम करते रहते थे या इबादी ए मेरे बंदो अल्लाह ने अपना के साथ एड्रेस किया है ए मेरे बंदो अल्ल न आमन जो ईमान लाए हो इन न अर दि वास मेरी जमीन वसी है फ या, या फा, फा बस तुम मेरी ही बंदगी बजा लाओ ये मक्की सूरत है और कुफार ने मुसलमानों को जो तंग किया हुआ था मक्का में तो यहाँ पर एक इशारा दे दिया गया अल्लाह की तरफ से हिजरत का कि मुसलमानों को बता दिया गया कि अगर किसी जमीन के हिस्से में रहते हुए अल्लाह की फरमाबरदारी मुमकिन नहीं है तो याद रखो मुसलमान अर्थ बाउंड नहीं होता मुसलमान कहीं भी रहे अल्लाह की इबादत पर जम कर रहता है और अपने इर्द गिर्द इबादत का माहौल बना लेता है हम भी यहाँ आए हैं तो हम भी क्यों आए हैं यहाँ पर हम उस माहौल को उस कुरान की एसेंस को उस कुरान के इमोशनल बॉन्ड को अपने साथ अपने घरों में ले जाना चाहते हैं ताकि हमारे घरों के माहौल नेकियों के लिए कंड्यूसिव हो जाएं तो जो कुरान सुनने के लिए आता है वो जिहाद करता है अल्लाह ताला ने कह दिया इन्ना व इन्ना अर्दी व फाबुदून सिर्फ मेरी बंदगी करो हर मुतनफिस को मौत का मजा चखना है फिर तुम सब हमारी ही तरफ पलटा कर लाए जाओगे जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनको हम जन्नत की बाला इमारतों में रखेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी वहां वो हमेशा रहेंगे क्या ही उमदा अजर है अमल करने वालों के लिए अल्लाह कह रहा है नजर अल आमिलीन क्या उमदा अजर है अमल करने वालों के लिए तो अल्लाह तला ने तो बता दिया कि ये अल्लाह की बात है एक फकीर कहे कि फला चीज अच्छी है तो शायद आपको उसकी वैल्यू ना आए उसकी क्या वैल्यू होगी फकीर ही कह रहे फलाज अच्छी है जब अल्लाह कहे ने, आमिलीन, एक रब कह रहा है कि ये तो बड़ा अच्छा अजर है अमल करने वालों के लिए तो फिर अल्लाह के बंदे, अल्लाह की खातिर हिजरत करें हिजरत करने से ना घबराए घरों से निकलें कुरान को पढ़ने के लिए कुरान को समझने के लिए हिम्मत के साथ अमल पर जम जाएं हाथ पांव हिलाएगा इंसान कंफर्ट जोन जोड़ेगा सबर करेगा हिजरत करेगा जेहाद करेगा तो उसको वो अजर मिलेगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया नजराम अल्लादीना सबर हु वबिम तवकलून उन लोगों के लिए जिन्होंने सबर किया है और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते अल्लाह युकुहा व इयाकुम अल्लाह उनको भी रिज देता है और तुम्हारा राजिक भी वही है वो सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है पहले जानवरों का जिक्र किया कि अल्लाह जानवरों को रिज देता है देखो इंसानों के मुकाबले में जानवर कितने ज्यादा है इस जमीन के ऊपर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े बीस्ट तक तुम देख लो कि जानवर अल्लाह ताला ने कितने बनाए हैं चरिंद परिंद बहुत ज्यादा है अल्लाह उनको भी तो रिस्क दे रहा है तो ये जो इंसान है सिर्फ सेवन बिलियन क्या इनको अल्लाह रिस्क नहीं दे सकता अल्लाह ताला ने यहाँ इंसानों को अपनी बादशाही का हल्का सा मुजाहरा कराया अगर तुम इन लोगों से पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है और चांद और सूरज को किसने मुसक्र कर रखा है तो जरूर कहेंगे अल्लाह ने फिर ये किधर से धोखा खा रहे हैं अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से जिसका चाहता है रिस्क कुशादा करता है जिसका चाहता है तंग करता है यकीन अल्लाह हर चीज का जानने वाला है और अगर तुम इनसे पूछो किसने आसमान से पानी बरसाया उसके जरिए से मुर्दा पड़ी हुई जमीन को जिला उठाया तो जरूर कहेंगे किसने किया अल्लाह ने किया अल्हमदल्ला मगर इनमें से अक्सर लोग समझते नहीं है कुरान की बारिश भी तो हमारे दिलों पर बरस रही है तो अल्लाह करे कि हमारे दिल से हिदायत की फसल निकले हिदायत का पौधा निकलेगा तो आमाल की फसल आएगी और दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर एक खेल और दिल का बहलावा असल जिंदगी का घर तो दार आखरत है काश ये लोग जानते कोई घर की चीज अपने जहन में ले आए आपके और मेरे घर चाहे आप क्रॉकरी जहन में ले आए चाहे आप वार्ड्रोब जहन में ले आए चाहे आप डेकोरेशन पीसेस जहन में ले आए चाहे आप कोई सामान घर का जहन में ले आए अल्लाह ने क्या कहा ये सब दिल का बहलावा है एक बच्चे के डॉल हाउस को तस्वुर करें। एक बच्चा चार साल का है उसको अपना डॉल हाउस कितना पसंद होता है वही बच्चा चौबीस साल का हो गया अब क्या वो डॉल हाउस उसको अपील करेगा अब वो डॉल हाउस उसको अपील नहीं करेगा ये जो आपकी और मेरे इस दुनिया के घर हैं, जिनमें हम गुम हो जाते हैं जिनकी सफाई सुथराई में हम अल्लाह को भूल जाते हैं <स्थियों> यही मुझे और आपको अल्लाह ने सिर्फ बहलावे के लिए दिए हैं एक डॉल हाउस की तरह दिए हैं अल्लाह ने मुझे और आपको ये महदूद वक्त के लिए दिए हैं ताकि इसमें इस, इस महदूद वक्त में हम अल्लाह की इतात करके लामहदूद अजर अपने लिए समेट लें इस महदूद जिंदगी में अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाकर उस लामहदूद जिंदगी की नेमतों को अपने नसीब में लिख लें जो कभी खत्म नहीं होंगी तो अल्लाह ने कहा कि इन नेमतों को इस्तेमाल करो और एक एक लम्हा इन्वेस्ट कर दो जब ये लोग कश्ती पर सवार होते हैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिज करके उसे उसी से दुआ मांगते हैं मुखलसिन और फिर जब वो उन्हें बचा कर खुश् पर ले आता है तो यकायक ये शिरक करने लगते हैं ताकि अल्लाह की दी हुई निजात पर उसका कुफरान नेमत करें और हयात दुनिया के मजे लूटे अच्छा अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा क्या ये देखते नहीं है कि हमने एक पुर अमन पुरअम बन, हरम बना दिया है हालांकि इनके गिर्दो पेश लोग उचक लिए जाते हैं मुशरकिन मक्का को बताया जा रहा है कि उनके आस पास लोग अगवा होते हैं या उनके आस पास अनारकी है और मशरकन मक्का को बताया जा रहा है कि अल्लाह ने इसको कितनी अमन की जगह बनाया था इब्राहिम ने भी इसके लिए दुआ की थी बलादन आमिन अल्लाह तला ने इसको हर तरह के फल दिए अल्लाह ने इसको शोहरत दी लिहाजा इस घर के अंदर तुम शिरक ना करो इसको शिरक का अड्डा ना बनाओ इसको तोहिद का गढ़ बनाओ अफबिल अफबिल यकफुरून क्या फिर ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत का कुफरान करते हैं उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या हक को झुटलाए जबकि वो इसके सामने आ चुका हो क्या ऐसे काफरों का ठिकाना जहन्नुम ही नहीं है वल्ल न सुबुलना व इन अल मोहसिन जो लोग हमारी खातिर मुजाहिदा करेंगे उन्हें हम अपने रास्ते दिखाएंगे बता दिया जो जिहाद करेगा वल्लिन जाना जो हमारे रास्ते की तरफ स्ट्रगल करेगा जिहाद कहते हैं एग्जर्टिंग वन सेल्फ टू द अटमोस्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर जाना ये जिहाद है तो बता दिया गया कि जो अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ना चाहेगा ये तो करना पड़ेगा आपको अगेंस्ट द फ्लो जाना पड़ेगा ये हकीकत है कि सबको फन अच्छा लगता है सबको खुशियाँ अच्छी लगती हैं, सबको ख्वाहिशात पूरी करना अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता कि आपस में क्लैशेस हों खानदान वालों के साथ जो है हमारे ताल्लुक खराब हों ये काम इंसान सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कर सकता है जब वो अल्लाह की खातिर कुर्बानी देता है तो इंसान इस चीज को फिर अपने सीने से लगा लेता है अल्लाह की खातिर जिहाद करता है अल्लाह ने कहा वल्लादीना जाना जो हमारे लिए कोशिशें करते हैं जो हमारे लिए स्ट्रगल्स करते हैं जो हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं लाना दी होम हम जरूर बिल जरूर बिल जरूर हिदायत देंगे उनको सुबुलाना अपने रास्तों की अल्लाह उनके सामने अपॉर्चुनिटीज ऐसी खोलेगा कि उनको अमल करना आसान लगने लग जाएगा अल्लाह उनको ऐसे लाइक like माइंडेड दोस्त दे देगा जो उनको इस नेकी पर जम जाने की तलकीन करेंगे अल्लाह उनको ऐसे लोग दे देगा जिनके साथ रह के उनकी सिनर्जी बनेगी और उनको नजर आएगा कि मेरे जैसे और भी लोग अमल करने वाले हैं तो वो घबराएंगे नहीं करने वाले लोग होते हैं ये वो लोग हैं जो जिहाद को पोस्टपोन नहीं करते ये वो लोग हैं जो सिर्फ ये नहीं कहते रहते कि हमने बस घर में क्लैश नहीं होने देना चाहे अल्लाह की कितनी ही नाफरमानी क्यों ना हो जाए ये लोग साबित करते हैं कि इनका तवक्ल अल्लाह के ऊपर है ये लोग साबित करते हैं कि सिर्फ घर को अमन का गहवारा बनाने का एक तरीका ही नहीं है कि वो अल्लाह की नाफरमानी हो बल्कि घर को अमन बनाने का असल तरीका क्या है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया जाए आप देख लें जो लोग अल्लाह के रास्ते की तरफ नहीं देखते उस माशरे में ना बच्चे महफूज होते हैं ना औरतें महफूज होती हैं ना वालदेन का एहतराम होता है ना शोहर बीवी के हकूक अदा करते हैं और ना बीवियां शोहरों के हकूक अदा करते हैं तो अल्लाह ताला ने तो असल चीज जो रखी है वो उस रास्ते पर रखी है जो रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है सुबह लना हमारे रास्ते की अल्लाह हिदायत दे देगा यानी अल्लाह अपने रास्ते की हिदायत दे देता है व अन्लामुसिन और यकीन अल्लाह नेकोकारों के साथ है अल्लाह मोहसिन के साथ है मोहसिन जो हक से बढ़कर काम करते मोहसिन जो मोहब्बत के अंदर काम करे मोहसिन जो मोहब्बत में कुर्बानी देने के लिए तैयार हो मुसीबत में कुर्बानी ना दे अल्लाह हमें ऐसे मोहसिन में शामिल फरमाए सूरतरम सूरतरोम मक्की सूरत है रोम मुल्क का नाम है आपको सूरह रोम के अंदर इंसानों का जिक्र मिलेगा और सूरह रोम के अंदर आपको मिन आयाति ही की तकरार मिलती है जब आप इसकी अरबी पढ़े तो मिन आयाति ही अल्लाह ताला बार बार अपनी निशानियों की तरफ बताते हैं उसकी आयत में से उसकी आयत में से उसकी आयत में से बार बार यह जिक्र आएगा और आपको इसमें दुनिया की चीजों का जिक्र भी मिलेगा आखरत की तरफ भी इसमें इशारे जो हैं वो मिलते हैं अलिफ लामीम अलिफ लामीम गल अम्बादी गलिबून अलिफ लामीम रूमी करीब की सरजमीन में मकलूब हो गए हैं और अपनी इस मकलूबियत के बाद चंद साल के अंदर वो गालिब आ जाएंगे। ये मक्की दौर की सूरते हैं और ये उस वक्त की आयात हैं जब मुसलमान मक्का में थे उनके ऊपर बड़े सख्त हालात थे और ऐसे दौर में आस पास के सुपर्स में जो इलाके थे जो बैकयार्ड्स थे उनके अंदर दो सुपर पावर्स थे एक थे ईरानी और एक थे रोमी ईरानी जो थे वो आतिश परस्त थे आग की पूजा किया करते थे और जो रोमी थे वो ईसाई थे यानी अहले किताब थे तो अल्लाह ताला ने जाहिर बात है मुसलमानों की जो लॉयल्टीज थी वो आतिश परस्तों के मुकाबले में किसके साथ थी ईसाइयों के साथ थी तो अल्लाह ताला ने ने क्या किया एक जंग हुई जिसमें ने रोमियों को शिकस्त दे दी लेकिन इस आयत में इस सूरत में यहाँ पर अल्लाह ताला ने प्रशन दी है कि एक वक्त आएगा कि रोमी ईसाई अल्टीमेटली गालिब आ जाएंगे और मुसलमानों की हमदर्दी भी इनके साथ थी तो ये वक्त एक तरह से ऐसा था कि इसमें मुसलमानों को भी एक प्रडिक्शन दे दी गई कि अनकरीब मुसलमानों के ऊपर भी जो गैर मुस्लिम लोग जुल्म कर रहे हैं उससे मुसलमानों को भी बहुत जल्द एक कामयाबी नसीब होगी और इसमें बदर की तरफ जो है स्कॉलर्स कहते हैं कि एक इशारा दिया गया था अल्लाह नुसरत अता फरमाता है जिसे चाहता है वो जबरदस्त है और रहीम है ये वादा अल्लाह ने किया है अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता मगर अक्सर लोग जानते नहीं है लोग दुनिया की जिंदगी का बस जाहरी पहलू जानते हैं और आखिर से वो खुद ही गाफिल है इंसान दुनिया ही में इतना खो जाता है दुनिया के जाहरी हुसन में ही इतना खो जाता है कि उसको इसकी फिक्र ही नहीं रहती ये लिबास अल्लाह ने क्यों दिया ये घर अल्लाह ने क्यों दिया ये औलाद अल्लाह ने क्यों दी जाहरी तौर पर ही बस इनको इंजॉय करते रहते है जाहरी तौर पर इनके जाहरी हुसन में रहकर इनका असल मकसद इनका असल एसेंस भूल जाते हैं तो अल्लाह ने बता दिया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें आज कोई नियमत दी है तो उस नेमत के पीछे हकीकत को समझो जाहरी हुसन में मत खो जाओ उसके क्या उन्होंने कभी अपने आप में गौरव फिक्र नहीं किया अल्लाह ने जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को जो उनके दरमियान है बरहक और एक मदत मुकर ही के लिए पैदा किया है वह इन्ना कफीर सबिल का फिर मगर बहुत से लोग अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं और क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि उन्हें इन लोगों का अंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं वो इनसे ज्यादा ताकतवर थे उन्होंने जमीन को खूब उधेड़ा था और उसे इतना आबाद किया था जितना इन्होंने नहीं किया जमीन को उधेड़ा से मतलब कि उनके अंदर कंस्ट्रक्शन बहुत हुई थी उन्होंने घर बहुत बनाए थे बिल्डिंग्स बहुत बनाई थी और जब बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं तो उसके लिए जमीन को खोदा जाता है एक तरह से यूं समझ लीजिए कि उनकी तरक्की की तरफ इशारा किया किया जा रहा है कि जब उन्होंने बहुत कंस्ट्रक्शन की बहुत प्रोग्रेस हुई उनके अंदर उनके पास उनके रसूल रोशन निशानियां लेकर आए फिर अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला ना था मगर खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे आखिरकार जिन लोगों ने बुराइयां की थी और उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया था और वो उनका मजाक उड़ाते थे अल्लाह यब्द उल खलक़ अल्लाह खल्क की इब्तदा करता है वही उसका अदा करेगा फिर उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाओगे उनके ठहराए हुए शरीकों में से कोई उनका सिफारिश ना होगा तो बता दिया गया कि क्यामत कैसे आएगी जब इंसान टोटली अनप्रिपेयरड होगा क्यामत बता के नहीं आएगी वो क्यामत जब आएगी तो क्या होगा जब वो बर्पा होगी उस दिन मुजरिम हक दक रह जाएंगे हैरत जदा होकर रह जाएंगे कैसे हैरत जदा होंगे पता भी नहीं चलेगा कि अगला कदम जो है वो कयामत की साआ के अंदर आ जाएगा एक खौफ तारी होगा इंसान के ऊपर तो इंसान को एक अपने ऊपर खौफ ऑलरेडी रखना चाहिए क्या मालूम कब क्यामत आ जाए मैं आज अमल कर लू एक स्टूडेंट को आप देखे आपको भी अपना बचपन याद आयेगा जो आप में से पढ़ चुके अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुके जब डेट शीट मिलती थी और एग्जाम्स होने वाले होते थे तो हम अपनी डेट शीट निकाल निकाल के देखा नहीं करते थे कौन सा एग्जाम किस दिन है कौन सा एग्जाम किस दिन है कहीं भूल ना जाए कहीं गलती ना हो जाए कि कहीं पेपर जो है वो आगे पीछे हो जाए तो इस क्यामत के लिए भी अगर आप और मैं परेशान रहे तो बेहतर है इस क्यामत के लिए भी अगर आप और मैं फिक्र करें तो ये फिक्र बेहतर है कि ये ना हो कि जिस इम्तिहान के लिए मुझे और आपको भेजा गया है हम उस इम्तिहान की जगह किसी और ही चीज की तैयारी में लगे रहें तो कुरान को सुने कुरान को समझें, कुरान पर अमल करें ताकि क्यामत की तैयारी मैं और आप अपनी इसी जिंदगी के अंदर क्यामत आने से पहले कर सकें उनके ठहराए हुए शरीकों में से कोई उनका सिफारिशी ना होगा और वो अपने शरीकों के मुनकर हो जाएंगे जिस रोज वह सात बर्पा होगी उस दिन सब इंसान अलग ग्रोहों में बट जाएंगे जो लोग ईमान लाए हैं जिन्होंने नेक अमल किए हैं फाहम फी रौदिन युह वो एक बाग में शादा और फरहान रखे जाएंगे अल्लाह तला ने उनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं। तो जरूरत किस बात की है कि इंसान अपनी नेमतों के अंदर रहकर उन्हीं नेमतों के साथ क्या की तैयारी करे उन्हीं नेमतों के साथ अपने आप को फुली प्रिपेयर करें जैसे कहते हैं ना फॉर वार्न इज फॉर आर्म्ड पहले से तैयारी करके रखेंगे तो इसका मतलब है कि हम आने वाले वक्त का मुकाबला कर सकेंगे अल्लाह ने ऐसे ही लोगों के लिए बागात तैयार रखे हैं और जिन्होंने कुफर किया है और हमारी आयात को और आखरत की मुलाकात को जुटलाया है वो अजाब में हाजिर रखे जाएंगे। बस तस्वीर करो अल्लाह की जबकि तुम सुबह करते हो और जब तुम शाम करते हो आसमानों और जमीन में उसके लिए हमद है और तस्वीर करो उसकी तीसरे पहर जबकि तुम पर जोहर का वक्त आता है बता दिया गया नमाज के औकात की भी बात हो सकती है स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ पर जो इशारे मुख्तलिफ की तरफ किए गए हैं और सुबह शाम की दुआओं की तरफ भी इशारा हो सकता है तो जिक्र की बरकत बताई जा रही है जिक्र की बरकत से रूहानी जो कैफियत इंसान की होती है अगर वो मुर्दा हो गई हो तो वो दोबारा जिंदा हो सकती है अल्लाह के जिक्र से मुर्दा दिल मुर्दा कौमे जिंदा हो जाती है वो जिंदा को मुर्दे में से निकालता है मुर्दे को जिंदा में से निकाल लाता है जिंदगी को उसकी मौत के बाद जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है इसी तरह तुम लोग भी हालत मौत से निकाल लिए जाओगे उनकी निशानियों में से एक ये है कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया फिर यकायक यक बशर होकर तुम जमीन में फैलते जा रहे हो और उसकी निशानियों में से विन आयाती ही। अन खलाम मिन अन फुसिकुम अजवाजा लीता और उसकी निशानियों में से ये है उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन से बीविया बनाई स्पाउसेस का जिक्र आया अजवाज का ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो आप देखें, पहले यहाँ आया विन आती ही और उसकी निशानियों में से अन खाला कलाकुम के उसने पैदा किया तुम्हारे लिए मिन अन तुम ही मै से अजवाजन जोड़े शोहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शोहर लेकिन आगे क्या कहा लीता सुनू ताकि तुम सुकून हासिल करो ये तुम कौन है कैसे पता चलेगा तुम कौन है जब आगे अल्लाह ने कहा इलई हा उसकी तरफ हा जो है वो वाहिद मोनस का प्रोनाउन है सिंगुलर फेमिन प्रोनाउन है तो ये कहकर अल्लाह ने इशारा कर दिया कि अल्लाह ने सुकून को औरत के पास रखा है और औरत में से भी बीवी के रिश्ते में अल्लाह ताला ने सकून रखा है पहला रिश्ता जो मर्द और, और औरत के दरमियान में कायम हुआ वो शोहर और बीवी का रिश्ता था जो हजरत आदम और बीवी होवा के दरमियान में कायम हुआ तो यहाँ बता दिया गया कि जिस अल्लाह ने तुमको मिट्टी से बनाया है उसी अल्लाह ने तुम्हें जज्बात डाले हैं अल्लाह ने यहाँ पर बेहतरीन तस्वुर दिया है शोहर और बीवी के रिश्ते का बासकॉलर कहते हैं कि हम समझते हैं कि कुरान में रोमांस का जिक्र नहीं आता तो ये सबसे बेहतरीन कहते हैं रोमांस की जगह है रोमांटिक एस्पेक्ट है जो यहाँ बयान किया गया है जहाँ पर अल्लाह ताला ने निकाह के दायरे के अंदर शोहर और बीवी के मामले को बताया है कि निकाह के बाहर अगर ये काम होगा तो वो खयानत होगी और जो ख्यानत होगी जो एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर होगा वो अल्लाह की नजर में गुना है गुनाहे कबीरा है बेहतरीन अजदबाजी जिंदगी की बात है और बेहतरीन अज्दवाजी जिंदगी कब होती है जब जो बीवियां हैं वो शोहरों की शोहर की मिजाज शनास मिजाज सनाश भी हो मिजाज शनाश शोहर भी हों तो भी अच्छा है लेकिन बीवी मिजाज शनास होती है तो इसका बड़ा फायदा होता है आपस में सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए अच्छी बीवी क्या जो जिसके, जिसके हाथ में अपने शोहर का थर्मोस्टेट हो जिसको पता हो कि इस वक्त मूड कैसा है इस वक्त मुझे कैसी बात करनी है जिसको अंदाजा हो कि इस वक्त गुस्से में है तो इस वक्त मैं कम बोलूं जिसको अंदाजा हो कि इस वक्त अगर वो फारिक बैठे हैं और बोर हो रहे हैं तो अपना मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए बंद करके साइड पे रख दूं कोशिश करके साइलेंट कर दूं अच्छी बीवी कौन मिजाज शनास बीवी कौन जो अपने शोहर की शक्ल देख कर मूड को समझ जाए कि कैसे है अच्छी बीवी कौन जो अपने शोहर को आते जाते आई लव यू बोले अच्छी बीवी कौन जो अपने शोहर को टेक्स्ट भी करे ऑफिस में है तो कभी टेक्स्ट करके उनको भी पूछ लिया करें जब कहते हैं अच्छा है जब आएंगे जितनी देर ना आए उतना अच्छा है ये काम कर लू ये काम कर लू ये काम कर लू अच्छी बीवियों की बात की गई और ये बता दिया गया कि इंसान जिस मोहब्बत को ढूंढता है वो मोहब्बत अल्लाह ताला ने निकाह के दायरे में रखी है तो आप अपने शोहर के साथ खूब रोमांस करें अपने शोहर को टेक्सटिंग करें अपने शोहर को लव लेटर लिखें, अपने शोहर को जो है आप फोन करें अपने शोहर को जो है वो सरप्राइज गिफ्ट दें अपने शोहर अपनी माँ के सामने अपने शोहर को मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखे अम्मी डांटेंगी भी नहीं उल्टा खुश होंगी तो ये तो ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीके से आपके और मेरे लिए जन्नत कमाने के दरवाजे खोल दिए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक औरत नेक बीवी जो पांच वक्त की नमाज पढ़े रमजान के रोजे रखे अल्लाह की फरमा बरदार हो और शोहर की फरमा हो अमानत हो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए कितनी आसान जिंदगी आपकी और मेरी तो शोहरों की इज्जत करें कभी भी शहरों को अपने शोहर को किसी दूसरे के शोहर से कंपेयर ना करें कभी भी शोहर के सामने ना कहें मिसाल के तौर पर आपने मेरी बहन के शोहर को देखे कितना अच्छा कमाते हैं कितनी अच्छी तरह बात करते हैं कितनी अच्छी तरह मामला फहमी करते हैं शोहर की अना पर चोट लगेगी ये बात मान लें और इस बात को एडमिट कर लें कि अल्लाह ताला ने मर्दों के अंदर अना रखी है इस अना को बिला वजह आप और मैं खत्म करने की कोशिश करेंगे तो फसाद और झगड़ा होगा शहर की अना को ऊंचा ही रहने दे अपने शोहर के सामने कभी भी किसी दूसरे के शोहर की तारीफ ना करें लेकिन हम औरतों की मत मारी जाती है कि अपने शोहरों के सामने अपनी फ्रेंड्स के शोहरों की जरूर तारीफें करती हैं उसके शोहर इतने अच्छे उसको गिफ्ट ला कर देते हैं उसके शोहर इतने अच्छे उसको वेकेशन में वहां लेके जा रहे है उसके शौहर इतने अच्छे उसको बगैर कहे ईद का गिफ्ट ला कर दे दिया ये बातें ना करें अपने शोहरों के सामने इससे बिला वजह मूड खराब होगा एक जमाने में कहा करते थे ना कि शोहर जो है वो सर का ताज है शोहर सर का ताज है तो शोहर को सर का ताज कैसे बनाया जाएगा जिसके सर पर ताज होता है वो कितना केयरफुल होता है ज्यादा हिलता जुलता नहीं है ज्यादा झुकता वुकता नहीं है अपने सर के ताज को संभालने के लिए तो शोहरों के मूड समझने के लिए भी अक्लमंद बीवियां जो हैं, इस चीज का ख्याल रखती हैं अल्लाह ने आपके पास सुकून रख दिया है तो एक चीज का ये ख्याल रखें कि हम उनके जज्बात का ख्याल रखें उनकी अना का ख्याल रखें फिर स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जो अच्छी बीवियां होती हैं वो अपने सलीके से अपने शोहरों का दिल जीत लेती हैं। सलीका भी एक तरीका होता है कि शोहरों का दिल जीत लिया जाए कभी भी कुरान को कुरान की क्लास को किसी कोर्स को किसी कुरान की महफिल को इंसान स्केप रूट ना बनाए कि घर जो है वो बेबान पड़ा है घर की किसी को कदर नहीं घर में जो है उधम मचा हुआ है और आप और मैं अपना बैग संभालें और कुरान संभालें और निकलकर बाहर आ जाएं। औरत स्केप रूट नहीं करती सलीके के साथ घर को भी मैनेज करें सलीके के साथ जो है आप अपनी कुरान की क्लास भी चलाएं अल्लाह ताला देखें कैसे आपके शोहर के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देंगे तो मिजाज शनास बनने के लिए बहुत जरूरी है कि इंसान इस आयत के ऊपर तफक् करे अल्लाह ताला उसके तला दिल को खोल देगा और अल्लाह ताला सब बच्चियों को तोफीक दे कि जब वो शोहरों वाली बने और जो शोहरों वाली हैं वो बेहतरीन तरीके से अपने शोहरों से मोहब्बत करने वाली हूँ सॉफ्ट स्किल्स अपनी बेटियों को सिखाएं ताकि उनको घर चलाने आए आज हमारे माशरे में हम जिस दौर में रहते हैं इस दौर में ओवर एक्सपेक्टेशन है शोहर को बीवी से ओवर एक्सपेक्टेशन है बीवियों को शौहरों से ओवर एक्सपेक्टेशन है और इन ओवर एक्सपेक्टेशन का एक बहुत बड़ा रूट कॉज हमारा मीडिया है हर वक्त पलकें झपकाती हुई खूबसूरत सी जो है वो गर्लफ्रेंड नजर आती रहती है हर वक्त गर्लफ्रेंड की तारीफें करता हुआ शोहर नजर आता रहता है या टीवी में अगर आपको ड्रामों के अंदर या फिल्मों के अंदर शोहर दिखाए जाते हैं तो वो भी जो हर वक्त बीवियों के नाज नखरे उठा रहे हैं हर वक्त ऐसा नहीं होता हम सब जानते हैं जो शादीशुदा शुदा है प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा मुमकिन नहीं होता हर वक्त शोहर आपके पीछे पीछे नहीं फिर सकता हर वक्त शोहर आपके लिए गिफ्ट नहीं ला सकता हर वक्त शोहर जो है वो आपको पैम्पर नहीं कर सकता कभी उस अल्लाह के बंदे को गुस्सा भी आ सकता है कभी वो बाहर की किसी टेंशन में भी हो सकता है कभी आपका और उसका झगड़ा भी हो सकता है तो बी प्रैक्टिकल जिंदगी की चाशनी इन्हीं चीजों के साथ है अगर हमने अपने क्राइटेरिया को सिर्फ और सिर्फ फेरी टेल्स के जरिए बना लिया तो हमारे जहन में सिर्फ प्रिंस चार आएगा वो जो कभी भी अपनी प्रिंसेस को नहीं डांटता वो जो हर वक्त उसका जूता लेकर अपनी प्रिंसेस ढूंढता रहता है हमारे बच्चों के जहनों में तो वही कॉन्सेप्ट आ गया प्रिंस और प्रिंसेस वाला इस तरह से घर नहीं बनते मिजाज शनास बनना होगा और इस मिजाज शनासी की वजह से घरों के अंदर सुकून डेवेलप होता है अल्लाह ने कह दिया वाजा आला नकुम नवदा व रहमा अल्लाह ने तो बीवियों को बनाया ताकि तुम उसके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी ये मोहब्बत और रहमत पैदा कब होगी जब बीवी मिजाज शनास होगी और बीवियों का मिजाज शनास होना किस चीज से साबित होता है अगर आपको मौका मिले हजरत खतीजा रदी अनहा की सीरत पड़ी है। कितनी मिजाज शनास थी हजरत खतीजा अनहा आप वसल्लम उनसे अपनी हर बात डिस्कस किया करते थे जब वही आई पहली तो परेशान हो गए घर आये अब ये नहीं कि खामोशी दस दिन तक खामोशी बीस दिन तक खामोशी और बीवी को कुछ बता ही नहीं रहे बाकी बाहर फ्रेंड्स को जाके सब कुछ बता रहे नहीं सबसे पहले अपनी बीवी को बताया इसलिए कि उनको पता था कि उनकी बीवी उनको अच्छा मशवरा देंगी हजरत खतीजा क्या किया करती थी जब कुफार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुख्तलिफ टाइटल्स लगाया करते थे जाके कुफार का मुकाबला नहीं किया करती थी अपने शोहर को तसली दे दिया करती थी मिजाज शनास थे जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल परेशान है कि इन पर कोई फरिश्ता आया है क्या वो फरिश्ता था या वो जिंद था या वो क्या था वो ख्वाब था तो हजरत खतीजा ने कहा कि अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा आप तो गरीबों का ख्याल रखते हैं आप अल्लाह के नेक बंदे हैं ये होती है मिजाज शनास बीवी अल्लाह मुझे और आपको अपने शोहरों की मिजाज शनास बीवियां बनाए यकीन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौरव फिक्र करते हैं और उसकी निशानियों में से वह फिर आया व मिन आया ती ही खल खुश समावा तीवल अर्द और उसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन की पैदाइश है अल्लाह जिस चीज को देखे आयत कह देता है ना मिन आया ती आयत का मतलब होता है निशानी हमने पहले भी बात की थी ये आयत क्या है तीन तरह की आयात जिनके जरिए इंसान अपने रब को पहचान सकता है तीन तरह की आयात जो आपको रब के करीब कर सकती हैं जिनकी वजह से आपको अल्लाह याद आता है जिसको देख कर जिसको अप्रिशिएट करके आपको अल्लाह की पहचान होती है अल्लाह ने कहा तुम्हें आसमानों और जमीनों को देख कर मेरी पहचान होगी जब जब आसमान को देखोगे तुम्हें मेरी याद आएगी तुम अप्रिशिएट आसमान को कर रहे होगे लेकिन असल में तुम अल्लाह की कुदरत को अप्रिशिएट कर रहे होगे और क्या कहा वक़्त विलावानी कुम तुम्हारे रंगों में और तुम्हारी जुबानों में अल्लाह ने कहा निशानियां हैं क्या निशानियां हैं अल्लाह ताला ने कहा जुबानों का मुख्तलिफ होना अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए एक आयत है एक निशानी है डिफरेंट कल्चर का होना लोगों के अंदर डाइवर्सिटी होना ये अल्लाह की आयात है मतलब क्या है इनको देख के तुम्हें अल्लाह याद आ जाए जब हम मुख्तलिफ लोगों को देखें कोई बंगला बोलता है कोई इंग्लिश बोलता है कोई फ्रेंच बोलता है कोई डच बोलता है कोई पंजाबी बोलता है कोई सिंधी बोलता है कोई बलोची बोलता है तो एक दूसरे की जुबानों का मजाक मत उड़ाना व मिन आयाती ही अल्लाह की निशानियों में से है क्या चीज़ अल्लाह की निशानियों में से है विलानाती कुम तुम्हारी जुबानों का मुख्तफ होना जो इल्म, जो अस्मा अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए थे उन्हीस्मा का, का एक्सफोलिएशन हो रहा है कि अब लोग मुख्तलिफ, लो, मुख्तलिफ ज़ुबाने बोलते हैं ये मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ एक्सेंट में बोलना इसका मजाक मत उड़ाना व मिन आयाती ये अल्लाह की निशानियों में से है वह अलवा और तुम्हारा मुख्तलिफ रंगों का होना रेसिज्म जो है वो मुसलमान के अंदर नहीं होता मुसलमान रेसिस्ट नहीं होता मुसलमान किसी को काला और किसी को गोरा नहीं कहता कह दिया गया वाम ही। किसी का रंग कैसा किसी का कद कैसा किसी की नाक कैसी इसके लिए तुम्हें रेसिस्ट नहीं बनना बल्कि ये वामिन ही, ये अल्लाह की निशानियों में से है इनको देख के तुम्हें कौन याद आए अल्लाह याद आए मुख्तलिफ जुबानों के कल्चर्स को मुख्तलिफ जुबानों के एक्सेंट को सुनो तो तुम्हें कौन याद आए अल्लाह याद आए वामिन आयाती जिस चीज के साथ आ जाता है उस चीज को देखकर आपको अल्लाह याद आना चाहिए तो यहाँ बता दिया गया कि जुबानों और रंगों का इख्तलाफ तो ये असल में अल्लाह की एक याद है यकीनन इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं दानिशमंद लोगों के लिए और उसकी निशानियों में से वमिन आयात ही मना मुकुम बिल्ल नहार वक्मिन फदली ही इन नफीजा लिकल आयात यस्माउन और उसकी निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारा उसके फजल को तलाश करना है यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर से सुनते हैं तो जो सुनते हैं वो अपने अमल को बदल सकते हैं जिन्होंने सुन लिया कि वो अपने आप को किस मुकाम पर रखेंगे बीवी होते हुए वो अपने अमल को बदलेंगी जिन्होंने समझ लिया वो शोहर को शोहर का मुकाम देंगी अपने आप को अपने मुकाम पर रखेंगी इक्वालिटी का नारा नहीं लगाएंगी आपके और मेरे लिए सबक वायात ही यूरी को मिल बरका खूफ व तमा व अमस जुलुमिन और उसकी निशानियों में से ये है कि वो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है खौफ के साथ भी तमा के साथ भी आसमान से पानी बरसाता है फिर उसके जरिए से जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है आयात लिख में याकिन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं जो सुनता है वो अपने मुकाम को पहचानता है जो अपने मुकाम को पहचानता है वो रब के स्टेटस को जान जाता है और जो रब के स्टेटस को जान जाता है वो बंदगी के स्टेटस पर आ जाता है बंदगी की कैफियत पर आ जाता है और उसकी निशानियों में से यह है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है फिर जो ही के उसने तुम्हें जमीन से पुकारा बस एक ही पुकार में अचानक तुम निकल आओगे आसमानों और जमीन में जो भी है उसके बंदे हैं कुल्लातून सब के सब उसी के ताबे फरमान है वही जो तखलीक की इब्तदा करता है फिर वही उसका अदादा करेगा ये उसके लिए आसान तर है आसमानों और जमीन में उसकी सिफत सबसे बदतर है और वो जबरदस्त और हकीम है दराबाला कुम अब मिसाल दी जाए रही है शिर की मिसाल दी जा रही है कि शिरक कितनी नामाकूल गैर हकीकी हकीकत है गैर हकीकी चीज है मसलन मिन मिनिकुम वो तुम्हें खुद तुम्हारी अपनी ही जातों से एक मिसाल देता है क्या तुम्हारे उन गुलामों में से जो तुम्हारी मिल्कियत में हैं कुछ गुलाम ऐसे भी हैं जो हमारे दिए हुए मालो दौलत में तुम्हारे साथ बराबर के शरीक हों और तुम उनसे उस तरह डरते हो जिस तरह आपस में अपने हमसरों से डरते हो इस तरह हम आयात खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं मगर ये बेसमझे बूझे अपने तखयला के पीछे चल पड़े हैं। अब कौन उस रास्ते शख्स को रास्ता दिखा सकता है जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो वमालहुम में नासिरीन ऐसे लोगों का तो कोई मददगार नहीं हो सकता फ़कीम वजह कल्दीन हनीफा फरात लतीफ़ा तैह ला तब्दील कम बस ए नबी वसल्लम और नबी के फॉलोअर्स यकसू होकर अपना रुख उस दिन की सिमत में जमा दो कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है अल्लाह की बनाई हुई साख्त बदली नहीं जा सकती ला तब्दीला इस्लाम ही दीने फितरत है जिसने फितरत बनाई है उसी ने शरीयत दी है टेलर मेड शरीयत है तो शरीयत को कायम करो इसके अहकाम को समझने की कोशिश करो खुले दिल के साथ समझोगे तो तुम्हारी फितरत को इसके अहकाम समझ आएंगे तुम्हारी फितरत और शरीयनाइज है अल्लाह ने कानून बता दिया ला तब्दील खलकिल्ला ला तब्दील अली खलकिल्ला से एक मुराद तो ये है कि अल्लाह ने जो इंसान की फितरत बनाई है वो बदल नहीं सकती हमने बात की थी कल भी बदी हाथ फितरत पर फितरत सच को जान जाती है फितरत झूठ को पहचान जाती है फितरत ईमान और निफाक के अंदर फर्क कर सकती है फितरत जो है वो गुनाह और सवाब के अंदर फर्क कर लेती है फितरत जो है वो बेहयाई और हया को समझ जाती है इसी तरह से ला तब्दील अली चीज अल्लाह ने आपकी बना दी उसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती यानी इंसान अपने जिसम पर कोई ऐसी परमानेंट तब्दीली नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसकी तखलीक बदल जाए मिसाल के तौर पर कोई जो है वो टैटू बना ले जिसम के ऊपर परमानेंट परमानेंट टैटू नहीं बनाया जा सकता तखलीक तब में, में तब्दीली या कोई औरत जो है वो अपने बच्चे ना होने पर के बच्चे और मजीद ना हो वो ट्यूबलाइजेशन करा ले ये खल्क में तब्दीली है उलमा कहते हैं ये इसकी इजाजत नहीं है मर्द विसेक्टमी नहीं करा सकते ट्यूब्स को टाई नहीं करवा सकते ताकि आइंदा उनके यहाँ औलाद ना हो ये भी अल्लाह की खल्क में तब्दीली है इसकी इजाजत नहीं है हर वो तरीका कार जो रिवर्सिबल नहीं है समझ लें उसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है चाहे वो कोई आपकी जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी हो चाहे वो कोई फिजिकल मेडिकल सर्जरी हो हर उस चीज की इजाजत नहीं है जिसके अंदर परमानेंट तब्दीली आ जाए सिवाय एक्सेप्शन के कि कहीं अगर मिसाल के तौर पर किसी औरत को ये फतवा लेना पड़ जाए कि मैं ट्यूबलाइजेशन करा रही हूं इसलिए कि अगर मजीद बच्चे हुए तो मिसाल के तौर पर ट्यूब बस्ट हो जाएगी या उसका यूट्रस जो है उसको नुकसान पहुंचने का खदशा है तो वो फतवा लेकर ये काम करा सकती है वरना कोई भी परमानेंट तब्दीली अपने जिसम के अंदर नहीं कराई जा सकती ये इस्लाम की बुनियाद है यही बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है मगर अक्सर लोग नहीं जानते कायम हो जाओ इस बात पर अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए और डरो उससे नमाज कायम करो और ना हो जाओ उन मुशरकन में से जिन्होंने अपना अपना दीन बना लिया है और ग्रोहों में बट गए हैं हर ग्रोह के पास जो कुछ है इसी में वो मगन है लोगों का हाल ये है कि जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ रुझू करके उसे पुकारते हैं फिर जब वो कुछ अपनी रहमत का जायका उन्हें चखा देता है तो यकायक उनमें से कुछ लोग शिरक करने लगते हैं ताकि हमारे किए हुए एहसान की नाशुक्ति करें अच्छा मज़े कर लो अब तुम्हें मालूम हो जाएगा क्या हमने कोई सनद और दलील उन पर नाजिल की है जो शहादत देती हो उस शिरक की शदाकत पर जो ये कर रहे हैं वह इजा अज नाहमतन फरी बिहा जब हम लोगों को रहमत का जायका चखाते हैं तो वो इस पर फूल जाते हैं और जब इनके अपने किए करतूतों से इन पर कोई मुसीबत आती है तो वो यकायक यक मायूस होने लगते हैं वह इन तुफ से आ बिमाकद आई दि अल्लाह ने कहा जो तुम पर मुश्किल आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है जो तुम्हारे हालात में खराबी आती है तुम्हारे अपने हालात तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है वो यकय मायूस होने लगते है आप देखें फिर दोबारा अगर हमारा जहन वापस सुर फातिहा पर जाए तो क्या अल्लाह तला ने वहां कहा था बंदे ने दुआ की थी अल्लाह उन लोगों का रास्ता दे जिन पर तू ने इनाम किया था अनमता अल लेकिन जब बात आई जिन पर गजब किया गया तो ये नहीं आया कि अल्लाह उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तू ने गजब किया था वहाँ अल्लाह का जिक्र ही नहीं आया स्कॉलर्स कहते हैं अल्लाह का इतना गजब है उनके अमल के ऊपर कि अल्लाह ने वहां पर अपने गजब को वहां मेंशन करना भी मुनासिब नहीं समझा तो हम तर्ज़म़े में ये नहीं कहते सुरह फातिहा कि अल्लाह उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गजब हुआ तो तेरा का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इसलिए की वहां आयत में ये लफ्ज आया ही नहीं का, का प्रोनाउन आया ही नहीं जिन पर गजब हुआ या जो भटके हुए थे तो अल्लाह तला ने यहाँ भी बता दिया जो भटकता है अपने हाथों की कमाई की वजह से भटकता है अल्लाह ने कुरान में पहले भी कई दफा कहा है अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया क्या ये लोग देखते नहीं हैं अल्लाह ही रिस्क कुशादा करता है जिसका चाहता है तंग करता है जिसका चाहता है अल्लाह ताला जो है आसानी करता है जिसको चाहता है उसका हाथ तंग कर देता है यकीन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं क्या निशानियां हैं कि उनके ईमान का लेवल जो है वो बढ़ जाता है उनके ईमान का लेवल ऊंचा हो जाता है फिर का ईमान नहीं था लेकिन क्या फिर जो है वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ा बीमार तो पड़ता था फिरौन का ईमान नहीं था लेकिन क्या जिंदगी में कभी उसके ऊपर रुसवाई नहीं आई आई थी अगर ईमान होता तो हर आजमाइश उसके ईमान को बढ़ा देती लेकिन क्योंकि फितरत के अंदर उसने तब्दीली की थी अपने आप को घुमंड का शिकार किया था तो हर आजमाइश उसके ईमान के लेवल को नहीं बढ़ाती थी ईमान और तकदीर इन दो चीजों के दरमियान में इंसान कभी कंफ्यूज ना हो अल्लाह ताला ने यहां ये बात मेंशन कर दी रिस्क अल्लाह के हाथ में है इसका ताल्लुक जो है वो तुम्हारे अमाल से नहीं है ईमान अलग है तकदीर अलग है

जो सूद तुम देते हो ताकि लोगों के अम्वाल में शामिल होकर वो बढ़ जाए अल्लाह के नजदीक वो नहीं बढ़ता और जो जक़ात तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के इरादे से देते हो उसी के देने वाले दर हकीकत अपना माल बढ़ाते हैं खैरात यहाँ पर जो इशारा किया गया रिबन रिबन यहाँ पर मुराद तोहफा है रिबा नहीं है मुराद रिब ये रिबन जो है इससे मुराद है तोहफा तोहफे के बारे में इस्लाम का मिजाज क्या है कि खैरात की तरह तोहफे एक्सपेक्ट नहीं किए जाते मांगे नहीं जाते इंसान की जो हैसियत हो इंसान उस हैसियत से तोहफा दे इंसान सामने वाले की हैसियत देख कर तोहफा ना दे इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा दे असल चीज तोहफे के दिए जाने के पीछे एफेक्शन और मोहब्बत है वो प्राइस टैग नहीं है जिस प्राइस टैग की वजह से वो तोहफा दिया जाए असल चीज वो जज्बात है जिससे तोहफा दिया जाता है तो तोहफे के पीछे खुलूस अहम होता है तोहफे दिए जाने इस्लाम के अंदर तोहफे का लेन देन पसंदीदा है और आपस में जरूर तोहफे एक्सचेंज करें तोहफे के लिए एक चीज और भी ख्याल रखें मिसाल के तौर पर आपने मुझे एक तोहफा दिया अब क्या मैं उस तोहफे को आगे किसी को दे सकती हूँ जी हाँ इस्लाम का मिजाज यही है आपने मुझे तोहफा दे दिया हो सकता है मैं उसे आगे किसी को दे दू सहाबा के बारे में आता है बास मरतबा एक तोहफा किसी सहाबी ने दिया एक सहाबी को उसके बाद वो तोहफा उन साहबी ने किसी और को दिया उन ने किसी और को को दिया दिया उन ने किसी और को दिया और वापस ये उन्हीं के पास पहुंच गया जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था तो उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया इसके ऊपर कि लो मेरे तोहफे की कदर भी नहीं की मेरे तोहफे को इस्तेमाल भी नहीं किया नहीं आपने जो तोहफा दे दिया लेने वाले ने उसकी कदर आपके जज्बात से ले ली आपकी मोहब्बत का उसको अंदाजा हो गया तो तोहफे को सूद बनाकर नहीं दिया जाता तोहफा कर्ज की शक्ल में नहीं होता ना तोहफे को एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चे बर्थडे क्यों करते हैं ज्यादा लोगों को बुलाएं, ज्यादा फ्रेंड्स को बुलाएं। क्यों मजा आएगा या तोहफे मिलेंगे तोहफे मिलेंगे तोहफा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता बास घरानों में अब तो शायद नहीं होता एक दौर में ऐसा होता था कि जब शादी ब्याह के मौके होते थे और वो जो लोग तोहफा दिया करते थे वो तोहफा भी क्या है हमारे गर्दनों का एक तोक है जिसको हम सलामी के नाम पर देते हैं इस्लाम में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आज भी आप अपने आप को उस तोक से आजाद कर सकते हैं कोई फर्ज नहीं है कि आप जब जाएंगी तो जरूर दुल्ह या दुल्हन को सलामी देंगी आप गिफ्ट किसी वक्त भी दे सकती हैं जरूरी नहीं शादी के मौके पर दिया जाए हमने क्योंकि मिलना जुलना वैसे ही छोड़ दिया हमारी मुलाकात ही शादियों के ऊपर हो रही होती है या किसी के इंतकाल के ऊपर हो रही होती है तो हम कहते हैं बाद में कौन मिलेगा चलो शादी के मौके पर ही दे देते हैं तो ये जो सलामी को एक्सपेक्ट किया जाता है ये बड़ी गलत बात है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है गर्दनों के तोक है और फिर लिफाफे के अंदर क्या रखना है वो भी इंसान देखता है सामने वाले के हिसाब से एक दौर था कि जब सलामी दिया करते थे तो लोग लिफाफा खोल के देखते थे अच्छा इतने और फिर लिख लिया उसके नाम के साथ और लिखते क्यों थे लिखने का मिजाज क्या था क्या बड़ा कोई फारिक है किताब करने के लिए लिखने का मिजाज होता था ताकि जब हम इनके घर शादी पर जाएंगे तो हम इतना ही लौटाएंगे इससे ज्यादा नहीं देंगे या इससे कम नहीं देंगे इतना ही कम से कम लौटाना है हमें यह मिजाज होता था तोहफा क्या बन गया तोहफा बोझ बन गया तोहफा तो बन गया तोहफा इसर और इगलाल की कैटेगरी में आ गया इस्लाम इस चीज को प्रमोट नहीं करता तोहफे का मामला सूदी मामला नहीं होना चाहिए तोहफा जो है वो भीख की तरह मांगा नहीं जाता हमारे बच्चों के अंदर एक ये चीज भी टेंडेंसी डेवेलप हो गई ईदी के बारे में बुरी बात नहीं है लेकिन बच्चे इतनी ईदी एक्सपेक्ट करते हैं इतनी ईदी कि वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि इस ईद पर तो इतने पैसे जमा हो जाएंगे अम्मा ये देंगी अब्बा ये देंगे खाला ये देंगी पप्पू ये देंगी पुप्पा ये देंगे खालू ये देंगे इस, ये भी ये मिजाज पसंदीदा नहीं है तोहफा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता और आप इस चीज को अपने खानदान में कैसे प्रमोट कर सकती हैं इस मिजाज को अपने खानदान में कैसे ला सकती है बगैर ओकेजन के तोहफे दीजिए ईद पर दें यकीनन एक मुसलमानों का हलाल सेलिब्रेशन है मुसलमानों की जायज सेलिब्रेशन है बिल्कुल दीजिए तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है ईद के ओकेजन को आप जरूर रखें लेकिन इसके अलावा भी जब एक दूसरे को तोहफे दें बगैर ओकेजन के दें बगैर किसी मौके के दें ताकि मोहब्बत डिवेलप हो एक दूसरे के लिए और हमेशा अपनी जेब देख के दें और लेने वाला उसके खुलूस को देखे जिसके खलूस की वजह से वो तोहफा दिया गया है वरना क्या होगा कि तोहफा जो है वो एक बोझ बन जाएगा और हमारे माशरे में तोहफा बहुत बोझ बना है लोग शादियों में जाते नहीं है इसलिए हम तोहफा नहीं दे सकते उन घरानों को देखें जिन घरानों के अंदर लगी बंदी तनख्वा आती हैं, जो डेली बेजिस पर काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है उनके पास एक फिक्स्ड अमाउंट आती है साल के महीने के एंड पर कोई शादी आ जाए तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है तो क्या कर्जा लेकर तोहफा देंगे बगैर तोहफे के भी शादी में जाया जा सकता है किसी के घर तोहफा लेकर जाना अच्छी बात है लेकिन कोई फर्ज नहीं है कि जब तक हम हाथ में कुछ लेंगे नहीं हम किसी के घर जा नहीं सकते ये नहीं है हमारा मिजाज बन गया हम कहते हैं नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे फिर वही बात लोग क्या कहेंगे क्या बन गए हम पीपल कॉन्शियस या गॉड कॉन्शियस पीपल कॉन्शियस हम इसलिए थोड़ी कहते हैं कि नहीं हम तोहफा जरूर लेकर जाएंगे नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफा की लेन देन को पसंद किया हम कहते हैं नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता ना बुरा लगता है पहली दफा जा रहे हैं एक तो पहली दफा जा रहे तो हैं तो, है। तो बुरा लगता है आखिरी दफा जा रहे हैं तो बुरा लगता है बाहर से आए हैं तो बुरा लगता है वापस जा रहे हैं बाहर से तो बुरा लगता है बस तोहफे जो है वो हमने एक कर्जी मामला बना लिया है सूद की तरह तोहफे हमारे सरों पर सवार रहते हैं हम मोहब्बत के साथ तोहफे नहीं देते हम मुसीबत के साथ तोहफे देते हैं जब आपकी जेब इजाजत दे आप तोहफा दें जब आपकी जेब इजाजत ना दे आप तोहफा ना दे और इस चीज के इस चीज को रिवाज डालें इस चीज को वापस रिवाइव करें शादियों के ऊपर मत लेके जाए तोहफा इससे क्या होगा बाज लोग इतने अकलमंद हैं अल्लाह उनको और हिम्मत और ईमान दे वो कार्ड पे लिख देते हैं अब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया हमें किसी तोहफे की जरूरत नहीं है सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है और कोई चीज नहीं लेते शादी के बाद उनके घर जाए शादी के बाद उनको अपने घर बुलाएं उनको अपने घर बुलाकर तोहफा दें और इज्जत होगी उनकी तो हमने अपने माशरे के अंदर जो तोहफे की शक्ल देखी है जो बिगड़ गई है और वो तोहफा जो हमने सिर्फ और सिर्फ वसूल करने की चीज और जबरदस्ती देने की चीज और मुसीबत बना लिया है इसको भी हमें अपने माशरे से खत्म करने की जरूरत है अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया फिर तुम्हें रिस्क दिया फिर वो तुम्हें मौत देता है फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा है जो इनमें से कोई काम भी करता हो पाक है वो और बहुत बालातर है उस शिख से जो ये लोग करते हैं फसाद उफिल बर्री वल बाहर खुशकी और तरी में फसाद बरपा हो गया है लोगों के अपने हाथों की कमाई की वजह से क्यों ताकि मजा चिखाये उनको उनके बाज अमाल का शायद के वो बाज आ जाए इस्लाम तो ऐसा मुल्क है कि इस्लाम तो ऐसा दीन है जिसने जानवरों के ख्याल रखने के राइट दिए दरख्तों के ख्याल रखने के राइट दिए दरख्तों को उसका हक दे देने को कहा मगर इंसान जब अल्लाह की किताब से पलट गया तो उसने दुनिया के अंदर न सिर्फ मॉरल पोलूशन फैलाई बल्कि इन्वायरमेंटल पोलूशन भी बहुत ज्यादा फैलाई और पोलूशन भी फसाद की एक शक्ल यहाँ पर बता दिया गया तरक्की याफ्ता मुमालिक ने भी आज बहुत पोलूशन फैलाई है हम इस वक्त मॉरल पोलूशन की नहीं एनवायरमेंटल पोलूशन की बात कर रहे है तो अल्लाह ने कहा यह भी इंसान की अपने ही हाथों की कमाई है इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज बना दिए इतनी बड़ी बड़ी मिल्स लग गई और उनका जो वेस्टेज है वो किसी के खेत में जा रहा है किसी की फील्ड में जा रहा है कहीं वो पीने के पानी के अंदर वेस्टेज जो है शामिल हो रहा है ये सब पोलूशन इंसानों का फैलाया हुआ है अल्लाह के निजाम दिए हुए निजाम के मुताबिक तरक्की करते तो ये चीज जो है ये भी स्ट्रीमलाइंड हो जाती अल्लाह ने बताया है अल्लाह ने दुनिया के मसाइल को इस कुरान में बयान कर दिया है दुनिया जो चार तरह के बेसिक मसाइल में मसाइल में हमेशा शिकार रही मर्द और, और औरत का मामला मर्द की बात मानी जाएगी या औरत की बात मानी जाएगी मर्द के हकूक को प्रेफरेंस मिलेगी या औरत के हकूक को प्रेफरेंस मिलेगी इसका हल भी कुरान ने दे दिया दूसरा मसला इकोनॉमिक क्राइसिस क्या कि मिसाल के तौर पर लेबर वर्सेज जो है जीएम बॉस वर्सेज एम्प्लॉई बॉस की बात मानी जाएगी या एम्प्लॉ की बात मानी जाएगी अल्लाह ने इसके हल भी बता दिए इस किताब के अंदर फिर अल्लाह ताला ने गवर्नमेंट वर्सेस नेशन इसकी बात भी बता दी हकूमत की बात मानी जाएगी या अवाम की बात मानी जाएगी अल्लाह ने बैलेंस दे दिया है इस किताब को कायम तो करो और चौथा बड़ा मसला बॉडी वर्सेज सोल डिसम बाबला रूह इन दोनों में से किसका बैलेंस रखा जाएगा अल्लाह ने यह भी दे दिया है तो अल्लाह ने तो शरीयत ने तो हर मसले का हल दे दिया है अगर मैं और आप शरीयत को नाफिज ना करें शरीयत को ट्रेड और फाइनेंस और मार्केटिंग और बिजनेस के अंदर ना लेकर आए तो यही इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और मॉरल पोल्यूशन हमें अपने गिद नजर आएगा जो आज नजर आता है बस ए नबी इनसे कहो जमीन में चल फिर कर देखो पहले गुजरे हुए लोगों का क्या अंजाम हो चुका है इनमें से अक्सर मुशरखी थे ए नबी अपना रुख मजबूती के साथ जमा दो उस दिन रास्त की में कबल इसके के वो दिन आए जिसके टल जाने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है उस दिन लोग फट कर एक दूसरे से अलग हो जायेंगे जिसने कुफुर किया है उससे कुफुर का बवाल उसी पर है और जिन लोगों ने नेक अमल किया है वो अपने ही फलाह का वो अपने ही लिए फलाह का रास्ता साफ कर रहे हैं ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों और अमले सौले करने वालों को अपने फजल से जजा दे यकीन वो काफिरों को पसंद नहीं करता इन्ना होला योब्बुल काफिरीन जो फसाद करें जो अल्लाह की बात ना माने जो अमले सौले ना करें अल्लाह ने उनको कह दिया काफिर उसकी निशानियों में से ये है कि वो हवाए भेजता है बशारत देने के लिए और तुम्हे अपनी रहमत से बहरा मंद करने के लिए और इस गर्ज से की तुम कश्तियाँ उसके इस गर्ज से कि कश्तियाँ उसके हुक्म से चलें और तुम उसका फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो हमने तुमसे पहले रसूलों को उनकी कौम की तरफ भेजा और वो उनके पास रोशन निशानियाँ लेकर आए फिर जिन्होंने जुर्म किया उनसे हमने इंतकाम लिया व का न नक का नई नसरिन और हम पर हक था कि हम मोमिनों की मदद करे फिर सहाबा या बुस्तुह फा वही जो हवाओं को भेजता है और वो बादल उठाती हैं, फिर वो उन बादलों को आसमान में फैलाता है जिस तरह चाहता है और उन्हें टुकड़ियों में तकसीम करता है फिर तुम देखते हो कि बारिश के कतरे बादल में से टपके चले आते हैं ये बारिश जब वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है बरसाता है तो वो यकाय खुश्रम हो जाते हैं हालाँकि उसके नजूल से पहले वो मायूस हो रहे थे कायनात मुस्तकिल्ला की इतात में मसरूफ है एक इंसान ही है जो थक थक कर बैठ जाता है हाय मैं थक गई क्लास से गए तो थक गए कुरान पढ़ा तो थक गए तरावी पढ़ी तो थक गए इफ्तार किया तो थक गए सैरी खाई तो थक गए फजर नहीं पड़ी जा रही बड़े जोरों की नींद आ रही है बात बात पर इंसान थक जाता है इंसान के अंदर काहिली है कि ना इंसान अपने जैसे इंसानों का हक अदा करता है ना अल्लाह का हक अदा करता है तो जब उसने ये हकूक नहीं अदा किए तो अल्लाह ने कह दिया कि उसका हाल क्या होता है कायनात की तरफ तो देखो कैसे हवाएं जो है बादलों को उड़ाते लेकर आती हैं फिर बादल इकट्ठे होते हैं कैसे अल्लाह ताला जिस इलाके पर चाहता है बारिश बरसा देता है अल्लाह ने कहा यका यक, वो खुश्रम हो जाते हैं ऐसे लगता है हमारे लिए ये आयत नाजिल हुई है अल्लाह हमारे शहर के ऊपर भी अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमाए देखो अल्लाह की रहमत के असरात के मुर्दा पड़ी हुई जमीन को वो किस तरह जिला उठाता है इन नजालमोह मऊता यकीन वो मुर्दों को जिंदगी बख्शने वाला है और वो हर चीज पर कादिर है अगर अल्लाह ताला मुर्दा जमीन के ऊपर बारिश बरसा के वहां से पौधे निकाल सकता है तो अल्लाह सोए हुए मुर्दों को डीकम्पोज हुए हुए मुर्दों को अपने एक हुक्म से क्यामत के दिन क्यों नहीं खड़ा कर सकता रोजे मैशर एक आवाज आएगी सूर फूका जाएगा और जितने भी दुनिया के इंसान हैं, वो सब ऐसे हाके पुकारे अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे जैसे रवायात में आता है कि जैसे किसी टारगेट की तरफ दौड़े जा रहे होंगे और अगर हम ऐसी हवा भेज दें जिसके असर से वो अपनी खेती को जर्द पाए तो वो कुफुर करते रह जाते हैं ए नबी सऊता व लातुस में उसम तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना उन बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जो पीट फेड़े चले जा रहे हो और ना तुम तो अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर राह रास्त दिखा सकते हो अल्लाह ना करे कि हम इस कैटेगरी में शामिल हूँ अल्लाह करे कि हम अपनी आंखों को भी इस कलाम के लिए इस्तेमाल करें अपने कानों को भी इस पुकार के लिए इस्तेमाल करें तुम तो सिर्फ उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं और सर तस्लीमे खम कर देते हैं अल्लाह ही तो है जिसने जौफ़ की हालत से तुम्हारी पैदाइश की इब्तः की फिर उस जोफ़ के बाद तुम्हें क़ुवत बख्शी फिर इस कुत के बाद तुम्हें ज़यीफ और बूढ़ा कर दिया वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है अल्लाह तला ने इस आयत में स्टेजेस ऑफ लाइफ बता दिए जिंदगी की हकीकत बता दी और पूरा साइकिल बता के रख दिया जितनी तेजी से आपने और मैंने ये आयात पढ़ी अल्लाह ने तुम्हारी खल की इब्तदा की अल्लाह ने तुमको जवानी दी जवानी के बाद अल्लाह ने तुम्हें तो दी तवानाइयों के बाद अल्लाह ने तुम पर बुढ़ापा किया बुढ़ापे के बाद तुम्हें मौत आई और तुम डीकम्पोज हो गए और तुम्हे दोबारा उठाया जायेगा जितनी जल्दी में हमने ये पढ़ी इतनी ही जल्दी में जिंदगी गुजर जाती है कल की बात लगती है हम में से जो मिसाल के तौर पर तीस पैंतीस साल की खातन है हम जरा सोचें अपने कल को पीछे मुड़ के कल की बात लगती है अपनी कॉलेज लाइफ कल की बात लगती है लगते हम तो अभी भी इतने छोटे छोटे से हैं जब हम खुद कॉलेज में जब हम खुद स्कूल में पढ़ा करते थे पंद्रह साल के सोलह साल के और हमें कोई पच्चीस साल की छब्बीस साल की तीस साल की खातून नजर हम तो कितनी बड़ी बड़ी आंटिया है और अब जब खुद तीस तीस साल के हो गए हैं तो लगता है तो, तो कोई उम्र ही नहीं है जितनी तेजी से आप इस आयत को पढ़ें, उतनी तेजी से ही लगता है मेरी और आपकी जिंदगी गुजर रही है अल्लाह तला जो है आहिस्ता आहिस्ता रूज देता है तमाम सलाहियतों को और फिर अल्लाह इसी तरह से ग्रेजुअली इन सलाहियतों का जो है सारा ताकत और जोम ले लेता है बहुत कम टाइम मिलता है इंसान को अपनी जवानी का तो उस जवानी को अकलमंदी के साथ इस्तेमाल करने का तकाजा क्या है कि उसको अल्लाह की फर्माबरदारी में लगा दिया जाए और जवानी की इबादत अल्लाह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंदीदा है तो उसे इन्वेस्ट करें वो सब कुछ जानने वाला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है और जब वो सात बर्पा होगी तो मुजरिम कस्मे खा खा कर कहेंगे हम एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं ठहरे हैं इसी तरह वो दुनिया की जिंदगी में धोखा खाया करते थे मगर जो इल्म और ईमान से बहरा बंद किए गए थे वो कहेंगे अल्लाह के नोश्ते में तो तुम रोजे हशर तक पड़े रहे हो सो ये वही रोजे हशर है लेकिन तुम जानते नहीं हो तुमने इम्पोर्टेंस नहीं दी तुमने इस्लाम पर अमल करना बनीत डिग्निटी समझा कुरान का पढ़ना पढ़ाना तुम्हें फारिग लोगों का काम लगा तुमने कहा कि मैं दुनिया की मालूम इकट्ठी कर लूं, लेकिन दीन की मालूम इकट्ठी नहीं की तुम्हें लगा कि रिलीजन इज ओपियम फॉर द मासेस तकबर का तुम्हारे ये हाल था तो अल्लाह ने क्या कहा बस वो दिन होगा जिसमें जालिमों को उनकी माजरत कोई नफा ना देगी और ना उनसे माफी मांगने के लिए कहा जाएगा हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया है तुम ख्वाह कोई निशानी ले आओ जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है वो यही कहेंगे कि तुम बातिल हो इस तरह ठप्पा लगा देता है अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो बेल्म है तो जो नहीं जानते हैं वो एक्सक्यूजे ना दें आगे बढ़कर अमल करने वालों में शामिल हो जाए

मोमिन का ईमान और मोमिन का कन्विक्शन देखकर दूसरे मुसलमान भी अट्रैक्ट होते हैं और इम्प्रेस होते हैं गैर मुस्लिम भी इम्प्रेस होते हैं नमाज ऐसे पढ़े जैसे कि अल्लाह आपको देख रहा है सबर के साथ कोई जल्दी नहीं है इबादत ऐसे करें कि जैसे कि अल्लाह आपको देख रहा है एक डिग्निटी के साथ सुकून के साथ नमाज पढ़ता हुआ मुसलमान कई लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है तो अल्लाह के वादे को सच्चा जानें और पूरी कोशिश करें कि अल्लाह के फर्मा बनकर रहें सूरतमान सूरत लुकमान मक्की सूरत है जिस तरह से हमारे यहाँ इकबाल बहुत मशहूर है अच्छी शायरी के लिए अच्छे अकवाल के लिए इसी तरह अरब के अंदर लुकमान जो थे वो एक दाना इंसान समझे जाते थे एक विजडम रखने वाले हिकमत रखने वाले इंसान जो थे वो समझे जाते थे उनके नाम के ऊपर ये सूरत है जिसमे रही ीम दिल का आयात उल किताबिल हकीम खुद वाहमत मोहसिन अलिफ लामीम ये किताब हकीम की आयात है हिदायत और रहमत नेकोकार लोगों के लिए नेकोकार लोगों के लिए बता दिया गया मोहसिन मोहसिन का काम क्या होता है मोहसिन हक से बढ़कर काम करने वाला होता है मोहसिन कॉन्शियस रहने वाला होता है अल्लाह की नजर से अपने आप को देखता है लोगों की नजरों से अपने आप को जज नहीं करता वो जो लोगों के अल्लाह ने उसके ऊपर हकूक रखे हैं उनको भी अदा करता है और कोशिश करता है कि लोगों के हकूक को एहसन तरीके से अदा कर दे ऐसे शख्स को कहा गया मोहसिन नेकोकार हिदायत और रहमत नेकोकार लोगों के लिए यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं बता दिया गया मोमिन क्या होता है कि मोमिन जो जो नमाज कायम करते हैं जो जक़ात देते हैं आखरत पर यकीन रखते हैं यही लोग अपने रब की तरफ से रास पर हैं और फलाह पाने वाले हैं मोमिन की जिंदगी का टाइम टेबल दे दिया कि मोमिन जो है अपनी जिंदगी में क्या करता है पूरी जिंदगी अल्लाह की इतात में लगाता है और इंसानों ही में से कोई ऐसा भी है जो कला में फरेब खरीद कर लाता है क्या यहां पर अल्फाज आए यहां पर अल्फाज आए हैं मोमिननासी मैं यशतरी लाहवल हदीसी लाहवल हदीस कला दिल फरेब लाहौल हदीस हर वो चीज जो आपको अल्लाह की इताद से दूर कर दे और लाहवल हदीस के अंदर बहुत से स्कॉलर के मुताबिक जो है लग वो चीजें आती है और लग वो चीजों में वो म्यूजिक को इस लाहवल हदीस के अंदर लेकर आते हैं, हर झूठी चीज जो आपको अल्लाह से गाफिल कर देगी वो लाहौल हदीस है अल्लाह से इंसान आहिस्ता आिस्ता इस लावल हदीस की वजह से दूर होता जाता है तो लाहफ और रग वो चीजें जो अल्लाह से गाफिल करें जो गुनाह को हसीन बनाकर दिखाएं जो नेकियों को मुश्किल और बोर बना दें और जो अल्लाह का बागी होता है वो इसके अंदर इन्वाल्व होता है जो शैतान का दोस्त होता है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है इसके अंदर लाउल हदीस में झूठे अफसाने आ जाते हैं नावल्स आ जाते हैं म्यूजिक आ जाता है झूठ आ जाता है या फिल्म और ड्रामे सब आ जाते हैं सब वो किससे जो आपको अल्लाह से दूर कर दें और ज्यादातर लाहवल हदीस के अंदर उन चीजों की तरफ इंसान की अट्रैक्शन बढ़ाई जाती है जो चीजें निकाह के दायरे के बाहर होती हैं, तो बता दिया गया कि इनसे दूर रहो और जो काम इंसानों में से ये करता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बगैर भटका दे और उस रास्ते की दावत को मजाक उड़ा दे ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला आजाब है यानी वो दुनिया में भी नुकसान उठाएगा और आखरत में भी अपने लिए नुकसान उठाएगा गिना जो है रसूल सल्लाह गना कहते हैं मौसीकी को अल्लाह के रसूल सल्लाम ने फरमाया गना इंसान को जिना तक ले जाता है गिना जो है मौसीकी जो है आप म्यूजिक सुनने के बाद नमाज पढ़ने खड़े हो आपका नमाज में दिल नहीं लगेगा आप म्यूजिक सुनने के बाद कुरान पढ़ना शुरू करे आपका दिल नहीं लगेगा तो बता दिया गया कि यहां पर वो लोग जो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं उनको अपना अंजाम भी याद रखना चाहिए बिल्कुल जैसे आजकल डॉक्टर्स न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बताते कि कुछ डाइट्स के साथ कुछ चीजें सूटेबल नहीं होती जैसे वो कहते हैं कि कैफीन चाय के साथ आप कोई कैल्शियम वाली चीज ना खाएं अगर आपने चाय पी है तो उसके आगे पीछे एक डेढ़ घंटे तक आप कोई दूध या दूध से बने हुई कोई भी कैल्शियम प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करें वरना क्या होगा कि आपकी बोन्स के अंदर उसका कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा इसी तरह से जैसे साइंस आज हमें ये बता रही है कुरान का मिजाज भी यही है अगर आपने कुरान सुनने से पहले या कुरान सुनने के बाद म्यूजिक में अपने आप को इन्वॉल्व किया लाहवल हदीस में अपने आप को इन्वॉल्व किया तो कुरान आपके अमल में ढल नहीं पाएगा कुरान आपको अमल की तरफ आगे लाने में मददगार साबित नहीं होगा फिर आपको अल्लाह के वादे जो हैं वो पुख्ता नहीं लगेंगे और याद रखें म्यूजिक से किसी की जिंदगी नहीं सुधरी आज साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि जो बहुत लाउड म्यूजिक सुनते हैं एक सर्टन डेसिबल से ज्यादा हाई डेसिबल सुनते हैं उनके कानों के अंदर टिटेनस की बीमारी हो जाती है एक कंटिन्यूस रिंगिंग साउंड उनको आती रहती है एक कंटिन्यूस वाइब्रेशन उनको महसूस होती रहती है और अल्लाह ताला ने आज साइंस के जरिए बहुत सी हकीकतें खोल दी कभी आपको मौका मिले तो साइंस की हकीकत म्यूजिक के बारे में पढ़ने के लिए आप गूगल करें आपको बहुत से साइंटिफिक फैक्ट्स मिलेंगे इंसान की सेहत पर भी कोई इसका अच्छा असर नहीं होता कभी आप कुरान पढ़ें और आपका मिजाज कुरान सुनने वाला और कुरान पढ़ने वाला और कुरान पर अमल करने वाला बन जाए उसके बाद आप किसी को डांस करते हुए देखें, ऐसे लगता है बंदर डांस कर रहा है बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता कुरान पढ़ने वालों का मिजाज ही अलग होता है जो लावल हदीस में इन्वॉल्व नहीं होते उनका मिजाज अलग हो जाता है इसलिए कि वो हर चीज को फिल्टर करते हैं एक दौर था जिस वक्त शादी के गाने हम सब गाते थे और खूब गाते थे सर हिला हिला के लेकिन अल्फाज पर कभी गौर नहीं किया अब अगर शादी के गाने गाने को कोई कहे तो हर दूसरे जुमले में हमें ऑब्जेक्शन नजर आ जाता है भैया तो हम गा ही नहीं सकते तो अन इस्लामिक बात है इसमें तो शिरक हो गया इसमें तो जो है वो निकाह के दायरे के बाहर आप ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते कितने आराम से जो है वो गाने गाए जाते थे सास गले की फांस और नंद गली का गंध और कितना बड़ा इल्जाम है बोहतान है ये सास और बहू के ऊपर तो सोचने की बातें क्या है कि इंसान जब कुरान पढ़ना शुरू करता है उसका दिल लाहौल हदीस में नहीं लगता जब इंसान कुरान के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देता है उसको इन चीजों की दुनियावी चीजों की हकीकत नजर आने लग जाती है अल्लाह हम सबको लाहौल हदीस से दूर रखे उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती है तो बड़े घुमंड के साथ इस तरह रुख फेर लेता है गोया कि उसने सुना ही नहीं गोया कि उसके कान बहरे हैं इसलिए कि कानों के अंदर तो म्यूजिक की वाइब्रेशन है अच्छा मुझदा सुना दो उसे एक दर्दनाक अजाब का अलबत् जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करे उनके लिए नियमत भरी जन्नते हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे ये अल्लाह का पुख्ता वादा है और वो जबरदस्त और हकीम है बच्चे पूछते अम्मा कहा लिखा है म्यूजिक हराम है सूरलुख्मान की आप ये आयत उनको मैंशन कर दे रसूल सल्लाह ने लाउल हदीस को गना करार दिया म्यू, म्यूजिक करार दिया तो म्यूजिक के बारे में आपको ये आयत भी सूरलमान की मिल जाती है उसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुमको नजर जो तुमको नजर नहीं आते उसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढलक ना जाए उसने हर तरह के जानवर जमीन में फैला दिए आसमान से पानी बरसाया जमीन में किस्म किस्म की उम्दा चीजें उगा दी ये तो है अल्लाह की तखलीक अब जरा मुझे दिखाओ उन दूसरों ने क्या पैदा किया है असल बात यह है ये जालिम लोग सरी ही में पड़े हुए हैं तो अल्लाह तला ने यहाँ गौर करने की तरफ कह दिया जरा गौर तो करो कौन है जो अल्लाह के अलावा इस कायनात को समेटे हुए है कैसे इस कायनात के दो खुदा हो सकते हैं दो खुदा होते तो एक से एक निज़ाम दरहम बिर हो जाता कोई कहता मैं सूरज मशरक से निकालूंगा कोई कहता मैं मशरक से नहीं मगरब से निकालूंगा लेकिन इस कायनात के अंदर ये बात बता रही है कि इस कायनात को संभालने वाला इसका क्रिएटर इसका ऑनर एक ही है वाला अनिश्कुर हमने लुकमान को हिकमत अता की हिकमत हिकमत का आ गया बहुत बड़ी दौलत है हिकमत जो है ये इंसान को दुनिया की डिग्री से नहीं मिलती हिकमत इंसान के अंदर अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने से आती है हिकमत को यूं समझ लें ऐसी अकल है जो इंसान को दुरुस्त वक्त में दुरुस्त फैसला करने में मदद देती है और जब अकल सलीम मुश्किल लफ्ज है लेकिन आपको समझ आ जाएगा जब अकल सलीम जब फितरत सलीम की रोशनी में सफर करती है अकल सलीम जो अकल रूह के ताबे है फितरत सलीम जिसके ऊपर दुनिया की गफलत के पर्दे नहीं है तो जब आपकी अकल आपकी फितरत की रोशनी में सफर करती है तो इंसान को हिकमत मिलती है और यह हिकमत कुरान के साथ अहदीस के साथ जुड़े रहने से इंसान को मिलती है इंसान अपनी अकल को जब अल्लाह की बनाई हुई तखलीक के ताबे कर देता है तो वही की तरफ जो अकल लपकती है उसको हिकमत कहा जाता है और हिकमत याद रखें किसी डिग्री से नहीं आती हिकमत जो आती है ये जो है अल्लाह का जो मिजाज शनास इंसान को बनाती है ये चीज डिवेलप होती है अल्लाह की किताब और रसूल अल्लाह सल्हसम की सुन्नत के साथ जुड़ जाने से और क्या कहा कि हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्र बनकर रहे शुक्र अल्लाह की नेमतों को प्रिजर्व कर लेता है अल्लाह की नेमत आपके लिए नेमत बन जाती है, रहम लानत या जहमत नहीं बनती जो कोई शुक्र करे उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है और जो कोई कुफर करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज और आपसे आप महमूद है शुक्र गुजार इंसान जो है याद रखे वो खुश मिजाज होता है इसलिए कि उसका शुक्र उसके रब के साथ अटैच होता है शुक्र गुजार इंसान आपको टेंस नजर नहीं आता बदमिजाज नजर नहीं आता याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे तो उसने कहा बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना लिब नहीं बेटा कह के बात की तो स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि जब अपने बच्चों को नसीहत करें, तो बहुत ही मोहब्बत के साथ नसीहत करे जब किसी को तबलीग करे आपने इब्राहिम के जिमन में देखा था या अबती या अबती या अबती की तकरार मिलती है अपनी औलाद को ज्यादातर इंसान जब दीन की बात बताने लगता है तो हम गुस्से में बताते हैं दीन की बात बताते हुए ज्यादातर हमारा दूसरी दफा में ही टेम्परामेंट लूज हो जाता है दीन की बात के बारे में बच्चा कोई सवाल पूछे तो हम बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं तो यहाँ आपके और मेरे लिए सबक है कि अपने बच्चों को जब नसीहत कर रहे हैं क्योंकि नसीहत हक की है हो सकता है बच्चे के लिए वो हक कड़वा हो हो सकता है बच्चे के लिए वो हक अमल में लाना मुश्किल हो तो क्या करो मोहब्बत के साथ शुगर कोटेड करके उनसे बात करो कह रहे हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना हक यह है कि शेख बहुत बड़ा जुल्म है और हकीकत यह है अब ये आगे स्कॉलर्स के मुताबिक यहाँ से अल्लाह का कॉल है ये हजरत लुकमान का कॉल नहीं है इसलिए कि स्कॉलर्स कहते हैं कि जो खुद इंसान आजजी वाला होता है हिकमत वाला होता है वो खुद लोगों से नहीं कहता मेरी इज्जत करो चाहे वो औलाद ही क्यों ना हो ये अल्लाह का कॉल है और हकीकत यह है कि हमने इंसान को अपने वाले का हक पहचानने की खुद ताकद की है यानी औलाद पर एहसान जताया कि अगर तुमने औलाद माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया तो इसमें तुम्हारा फायदा है उसकी माँ ने जोफ पर जोफ उठाकर उसे पेट में रखा और दो साल उसका दूध छूटने में लगे इसलिए हमने उसको नसीहत की कि मेरा शुक्र कर और अपने वाले देन का शुक्र बजा ला वाले देन में भी माँ का जिक्र किया गया हम जानते हैं कि माँ का इखलाकी फर्ज रसूल हदीस के मुताबिक तीन दर्जे ज्यादा है वालिद के मुकाबले में वालिद का कानूनी का राइट ज्यादा है माँ का जिक्र किया एक वजह यह भी है की औलाद माँ की ज्यादा नाफरमानी करती है बाप के मुकाबले में औलाद माँ के साथ जल्दी रूढ़ हो जाती है तो माँ की तरफ इशारा किया कि माँ ने तुम, तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल उठाई हैं तो अगर तुम्हारा तुम्हें इसका मिजाज अपने मिजाज से मिलता हुआ नहीं लगता तो इस मुश्किल को उठा लो और फिर एक बात और भी स्कॉलर कहते हैं कि माँ का जिक्र क्यों किया इसलिए कि कहते हैं कि माँ जल्दी नाराज भी हो जाती है आप देखें जब आप बीस साल की हो जाएगी पच्चीस साल की हो जाएंगी आप जरा कोई ऐसी बात करेंगी तो माँ जल्दी नाराज हो जाती है जल्दी बुरा मना लेती है वालिद के मुकाबले में तो कहा कि माँ का ज्यादा ख्याल रखो उनका दिल न दुखाओ मेरी ही तरफ तुम्हें पलटना है लेकिन अगर वो तुझ पर दबाव डालें तो मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता तो उनकी बात हरगिज न मान दुनिया में उनके साथ नेक बर्ताव करता रहे मगर पैरवी उस शख्स की रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रुजू कर लिया है अल्लाह तला ने यहाँ ये बात बता दी हम जानते हैं कि मक्की सूरत है और मक्का में औलाद जो थी वो ईमान ला रही थी यंग लोग जो थे वो ईमान ला रहे थे माँ बाप मुश्रक थे तो उनको हुक्म दिया गया कि माँ बाप के साथ नेक बर्ताव करो उनके साथ बदतमीजी नहीं करना उनके साथ इंसलेंट नहीं होना उनके हक को छोड़ मत देना हाँ जब अल्लाह की इत की बात आए तो उनकी फरमाबरदारी नहीं होगी फिर तुम सबको पलटना मेरी ही तरफ है उस वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे अमल करते रहे हो और लुकमान ने कहा था बेटा कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और किसी जटान में या आसमानों में या जमीन में कहीं छुपी हुई हो अल्लाह उसे निकाल कर ले आएगा वो बारीकबीन और बाखबर है या भुनैया भुनैया बार बार कह रहे हैं तो बच्चों को बार बार कहना होता है आपकी और मेरे लिए क्या सबक है इस इनायात के अंदर कि हम बच्चों के ऊपर भी अपनी औलाद के ऊपर तंज ना करें जो माँ बाप अपनी औलाद पर तंज करते हैं वो हिकमत का मुजाहरा नहीं करते जब बेटे माओ के मुकाबले में उनको लगता है कि अपनी बीवियों का साथ दे रहे हैं तो फिर माए बहुत तंजिया अंदाज में बात करती हैं ये मुनासिब एटीट्यूड नहीं होता बेटों का भी फर्ज है जहां माँ गलत है वहां माँ को बता दें जहां बीवी गलत है वहां बीवी को बता दें बैलेंस मेंटेन करें और बता दिया गया कि जब बात करो तो बात का तासुर ऐसा रखो कि औलाद जो है वो तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए औलाद को रेप्रमांड किया जा सकता है लेकिन औलाद की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म नहीं करनी चाहिए उनकी डिग्निटी खत्म नहीं करनी चाहिए कि उनकी गुनाहों का उनकी गलतियों का उनको बार बार एहसास दिला दिलाकर उनका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दिया जाए तो माँ बाप की भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से तरबियत की जा रही है या बुनैया अकम्सल्लाह नमाज कायम कर वुरबिल्माफ नेकी का हुक्म दे बदी से मना कर और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सबर कर ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है और लोगों से मुंह फेर कर बात न कर ना जमीन में अकड़ कर चर अल्लाह किसी खुद पसंद और फखर जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता तो बता दिया गया कि अपने बच्चों को कैसी तरबियत करो उनको बताओ कि, अपने बच्चों को बताओ कि कैसी तरबियत हो तुम्हारी कि तुम आजिजी वाले इंसान बनो तुम्हारे अंदर तकवा आए लेकिन फिर तुम उस तकवा की वजह से एक बहुत बड़े अना का शिकार ना हो जाओ कि अपने आप ही को कहने लग जाओ हर एक के मुकाबले में अना अनाखाई रोमेन अपनी पर्सनैलिटी कैसी बनाने के लिए कहा जा रहा है ऐसी पर्सनैलिटी की जो दूसरे को उसकी अहमियत का एहसास दिलाए अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हुए महफिलों में दाखिल मत होना और अपने बच्चों के जवाब और मैं तरबियत करें तो अपने बच्चों को जरूर सिखाएं कि वो अपने ही हुसन के शदाई बने ना फिरते फिरे आईने के सामने खड़े होकर घंटों खड़े हैं एक वक्त होता था माए कहती थी आईना टूट जाएगा खैर टूटा तो कभी भी नहीं आज तक हम सब बहुत खड़े हुए आईनों के सामने टूटा तो कभी नहीं लेकिन क्या होगा इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने हुसन का शेदाई नहीं बनता अल्लाह ने यहां कह दिया कि अल्लाह को खुद पसंद फख्र जताने वाले इंसान नहीं पसंद तो ना इंसान बहुत ज्यादा लोगों की जुबानों से अपनी तारीफ सुनना पसंद करे ना इंसान ये चाहे कि लोगों की नजरों में उसके लिए बहुत ज्यादा तारीफ हो अल्लाह की नजर से खुद को देखे और यहाँ यह बात बता दी गई है कि अल्लाह को कैसे लोग पसंद हैं अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं जो लोग खुद पसंदी में इन्वॉल्व नहीं होते सब अच्छे हैं अल्लाह ने सबको बनाया है और इस चीज की तरफ कहा गया कि तुम सबर करने वाले बनो और अपनी जिंदगी में ये सिफात ले आओ वाला तुस् का लिन्नास वला तमशी फिल अर्दी मराहा अपनी चाल में एतदाल इख्तियार करो अपनी आवाज जरा पस्त रखो चाल में एतदाल का मतलब क्या है अब ये नहीं है कि अम्मा कह रही है भाग कर आओ और आप आहिस्ता 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 है वो मैंने सुरमान में पढ़ा था अपनी चाल में एतदाल रखो ये मतलब नहीं है चाल में अतदाल का मतलब उलमा के मुताबिक बॉडी लैंग्वेज है आपके चलने में अकड़ ना हो आपके चलने में रऊनत ना हो आपके चलने में ये ना हो कि किसी को देखकर आप उसको बहुत हकीर और अपने आप को बहुत आला समझ रहे हैं अपनी आवाज को पस्त रखो अपनी आवाज का इस्तेमाल ऐसी जगह पर करो जहां पर आवाज की जरूरत हो अल्लाह ने क्या कहा सब आवाजों से ज्यादा बुरी आवाज गधों की आवाज होती है तो बता दिए गए इस्लामिक प्रिंसिपल यहाँ पर कि चीख चीख कर बात ना करें ना माए चीख कर बात करें ना बाप चीख कर बात करें इस तरह से औलाद भी चीख चीख कर बात नहीं करेगी और चीख चीख कर बात करना जब बहस हो और अपने आप को सही बताने के लिए इंसान जो है कोशिश करे तभी इंसान की आवाज बुलंद होती है और जब इंसान बहस जीतना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ एक जानवर की तरह अपनी आवाज को बुलंद कर रहा होता है बहस जीतने की कोशिश ना करो लोगों को जीतने की कोशिश करो इसलिए कहा गया कि अपनी आवाज को पस्त रखो बेहतरीन करेक्टर बिल्डिंग जो औलाद की की जाए वो इन आयत के जरिए की जाती है कि इंसान को सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना इंसान सिर्फ और सिर्फ तीन हस्तियों को गर्विदा ना हो आई मी एंड माई सेल्फ इन तीन हस्तियों का सिर्फ गर्विदा ना बने बल्कि इंसान जो है वो क्या हो लोगों के लिए सेंसिटिव हो लोगों का ख्याल रखने वाला हो लोगों के लिए कंसर्न हो क्या तुम देखते नहीं अल्लाह ने जमीन और आसमानों की सारी चीजें तुम्हारे लिए मुसखर कर रखी हैं, और अपनी खुली और छुपी नियमतें तुम पर तमाम कर दी है इस हाल इस पर हाल यह है कि इंसानों में से कुछ लोग हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बगैर इसके कि उनके पास कोई इल्म हो या हिदायत या कोई रोशनी दिखाने वाली किताब और जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो इस चीज की जो अल्लाह ने नाजिल की है तो कहते हैं हमने उस चीज हम उस चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया था ट्राइबल मैंटेलिटी सोशल नॉर्म्स के खिलाफ जाना पड़ता है तो इंसान नहीं जाता बल्कि अपना रुख मोड़ लेता है क्या ये उन्हीं की पैरवी करेंगे शैतान उनको भड़कती हुई आगे की तरफ क्यों न बुलाता हो मामा यूस्लिम वजह वाहू वाह मोहसिन फ़कदमसका बिल और विलवस्फ़ा जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और अमलन वो नेक हो यानी मोहसिन हो मोहसिन इंसान कुरान पढ़े बगैर नहीं बन सकता रसूल्लाह की हदीस की अहमियत जाने बगैर नहीं बन सकता उसने फिल वाकई एक भरोसे के काबिल सहारा थाम लिया और सारे मामला का आखिरी फैसला ही के हाथ में है बता दिया गया दीन के शार पर अमल करो दीन के शार पर यकीन अमल करना इंसान के लिए बाहर आसान होता है लेकिन मोहसिन बनने के लिए उसको माशरे के नॉर्म्स को चैलेंज करना पड़ता है जो कुफुर करता है उसका कुफुर तुम्हें गम में मुबतला ना करे उन्हें पलट कर आना तो हमारी ही तरफ है फिर हम उन्हें बता देंगे वो क्या कुछ करके आए हैं यकीन अल्लाह सीनों के छुपे हुए रास्त तक जानता है ए नीम बिजात सुदूर हम थोड़ी मुद्दत उन्हें दुनिया में मजे करने का मौका दे रहे हैं फिर उनको बेबस करके एक सख्त अजाब की तरफ खींच ले जाएंगे अगर तुम इनसे पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है तो ये जरूर कहेंगे अल्लाह ने लाकूल ला। कुल्हमदुल्ला कहो अल्हमदुल्ला मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं है आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है तो जब सब कुछ आसमानों और जमीन के दरम्यान अल्लाह का है तो जो जमीन आसमानों के बाद आती है इस जमीन पर भी अल्लाह का निज़ाम नाफिज करो लोगों की रजा की फिक्र क्यों करते हो उसकी इताद करो बेशक अल्लाह बेनियाज और आपसे आप महदूद है महमूद है जमीन में जितने दरख्त हैं अगर वो सब के सब कलम बन जाएं और समुन्दर दवात बन जाएं जिसे सात मजीद समुन्दर रोशनई मुहैया करें तब भी अल्लाह की बातें लिखने से ख़त्म न होंगी बेशक अल्लाह जबरदस्त और हकीम है और हकीकत है उलमा कहते हैं कि इस मिसाल के अंदर इतनी बलीग मिसाल है इसमें जरा भी मुबालगा नहीं है इस मिसाल के जरिए अल्लाह की शान जो है अल्लाह की शान रहीमी अल्लाह की शान खलाकी वो सामने आ रही है कि अगर सारे दरख्त कलम बन जाएं और ये समुन्दर और उसके जैसे और सात समुन्दर इंक बन जाएं तो भी अल्लाह की बातें खत्म ना हो बल्कि किसी ने कहा तो यहाँ पर भी ये तो एक अंडर एस्टिमेटेड इशारा किया गया है इसलिए कि इंसान की सिर्फ जीन्स के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि उसकी वजह से लाइब्रेरीज की लाइब्रेरीज बन सकती हैं। तुम सारे इंसानों को पैदा करना और फिर दोबारा जिला उठाना उसके लिए बस ऐसा है जैसे एक मुतनफिस को पैदा करना और जिला उठाना हकीकत यह है अल्लाह सब कुछ सुनने और देखने वाला है क्या तुम देखते नहीं हो कि रा, अल्लाह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में उसने सूरज और चांद को मुसख़र कर रखा है सब एक वक्त मुकर्र तक चले जा रहे हैं। क्या तुम जानते नहीं हो जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है ये सब कुछ इस वजह से है की अल्लाह ही हक है बता दिया गया असल हक अल्लाह है الله هو الحق ल يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. और उसे छोड़कर जिन दूसरी चीजों को ये लोग पुकारते हैं वो सब बातिल हैं। इस वजह से अल्लाह ही बुजुर्ग और बरतर है بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته